हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये मेरी नई सीरीज का है जो मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रिवाइज करेंगे। फाइन, तो टारगेट ऑडियंस कौन सी है? ऑब्वियसली जिनका सारा कंप्लीट हो गया है, वो भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि उनका रिविजन जो है वो होता रहेगा एंड रिपीटेड रिविजन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा जिनने मैराथन भी एक बार ही देख लिया, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। प्लस वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ी है एंड अब से स्टार्ट किया है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मेल करते हैं कि मैम हम अब से स्टार्ट करें तो क्या हम कर पाएंगे या नहीं। तो देखो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियोज देखने हैं, प्लस आप एमसीक्यू वीडियोज देखो। ठीक है, इतना करके जाओ, फाइन, काफी क्वेश्चंस आप इतनी सारी नॉलेज से भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अभी भी आई वुड से गिव अप नहीं करो, अभी भी 10 दिन है आपका, काफी पोर्शन जो है वो अगर आप चलोगे तो कवर हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं, अपनी चैनल के बारे में। इस पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एस एस बी सुपरवाइजर एग्जाम के, करंटली आने वाले जो भी जेके एस एस बी के एग्जाम्स होंगे आपको उसके वीडियोज भी इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। सुपरवाइजर में हमारा स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, सारा सिलेबस उसका। प्लस मैराथन सीरीज जो है वो 5 यूनिट्स की कंप्लीट हो गई है। एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें 5 यूनिट हमारा रहता है, 5th यूनिट। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम स्कीम्स का रिविजन स्टार्ट करेंगे। स्कीम्स के एमसीक्यूज के भी कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, एंड आने वाले टाइम में जैसे एनटी का एग्जाम आता है या कांस्टेबल का आता है, तो उनके रिलेटेड भी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। या अगर आप केएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की, तो जनरल स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस प्लस सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो मैं ऑलरेडी कवर करवा रही हूँ, वो सब आपको इस चैनल पे देखने को मिले। अगर आप ये सब कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगे। एंड मेरा यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चलता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये बहुत गलत बात है, अगर आपको फायदा मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड ये चैनल को आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करें। ठीक है, तो जो मैंने यूनिट वन का वीडियो अपलोड किया था कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका रिस्पॉन्स देखते हुए आई वॉज कंपेल्ड टू रिकॉर्ड अनदर वीडियो ऑफ द सेम सीरीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है वो मुझे भूल जाएंगी। तो जो आपका एमसीक्यू वीडियो है वो आज इवनिंग में या आपको कल इवनिंग तक वो वीडियो मिल जाएगा एमसीक्यू यूनिट 5 का। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, जो जो मैं नया वीडियो लाती हूँ वो साथ साथ आप देखते जाओ एंड मेरे साथ रिविजन करते रहो। ठीक है, तो यूनिट 2 इसमें हम क्या देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज हमारा टॉपिक है। तो जेंडर होता क्या है, बेसिकली सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। दैट मीन्स सोसाइटी, हमें बायोलॉजी से हमें सिर्फ ये पता चला था मेल कौन है और फीमेल कौन है। सोसाइटी ने हमें ये बताया फीमेल्स जो है वो डॉल्स के साथ खेलेंगी एंड मेल्स जो है वो कार्स के साथ खेलेंगे। फीमेल्स के घर आने जाने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए एंड मेल्स का वो टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें किसने बताई, ये सारी बातें हमें सोसाइटी ने बताई। दैट मीन्स सोसाइटी जब ये सारी वैल्यूज किसी एक पर्टिकुलर सेक्स के साथ एट्रीब्यूट करते हैं वो आपका जेंडर बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज नेचर ने बस हमें बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया था, लेकिन सोसाइटी ने विद टाइम क्या किया, उस डिफरेंट जो बायोलॉजिकल हमें सेक्स मिला हुआ था हर किसी के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अलग अलग एट्रीब्यूट्स जोड़ता गया। ठीक है, उसको हम जेंडर बोलते हैं। तो एन ओकले ने क्या कहा है, जेंडर क्या करता है, इट क्रिएटेड सोशल डिफरेंसेस, लेकिन नेचर ने सिर्फ सेक्सुअल डिफरेंसेस बनाए थे। ठीक, ये इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर, अभी आप ये सारी चीजें छोड़ दो, मैं सिर्फ आपको मेन मेन बताऊंगी क्या याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जो रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप में 127 out of 146। ठीक, एंड वो किन बातों पे इवेलुएट करता है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज, कितनी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है फीमेल को और मेल्स को, एजुकेशन अटेनमेंट का क्या हाल है, हेल्थ एंड सर्वाइवल का क्या हाल है, एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितनी है फीमेल्स की। ठीक, फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, ये भी आप टर्म्स अभी छोड़ दो। अच्छा, देर आर मेनी काइंड ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, देर आर मेनी काइंड ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर डिस्पैरिटी विच आर एज फॉलोज। तो क्या क्या है इनइक्वालिटी अगर फैमिली में होगी, नेटैलिटी इनइक्वालिटी, ये क्या होता है जो बाय बर्थ ही इनइक्वालिटी होना शुरू हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मेल बर्थ जो है वो ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू फीमेल बर्थ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बर्थ रेट फीमेल्स और मेल्स क्यों जो है ये वैरी करते हैं। ठीक है, अब ये भी एक चीज जो है ये हमें बताता है जेंडर इनइक्वालिटी है सोसाइटी में।
अब इससे आपका एक मैंने एमसीक्यू दिया हुआ था जिसमें शायद नेटालिटी इनइक्वालिटी मुझे टिक करना भूल गया था, उसका आंसर उस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। वो मेजोरिटी ने खुद से करेक्ट कर लिया था वो मिस्टेक, वो आपके एमसीक्यू यूनिट 2 वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट इन इक्वालिटी, इन लेवल पे भी देखोगे तो फीमेल्स एंड मेल्स का रेशियो अलग होता है, दैट मीन्स वहां पे भी इन इक्वालिटी है। ओनरशिप घर की प्रॉपर्टी का देख लो, या हाउस होल्ड घर में किसकी ज्यादा चलती है, मेल्स की या फीमेल्स की, तो यहाँ पे भी आपको इन इक्वालिटी देखने को मिलेगी। फिर जेंडर इश्यूज क्या क्या है, ये भी जेनरिक से है, इसमें आपको क्या याद रखना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो यहां से मैंने ये डेटा दिया हुआ है, प्लस ये मैंने एमसीक्यूज में भी पूछा हुआ है, वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। फैक्चुअल है, कुछ समझाने वाला नहीं है। बाकी जो ये वाली चीजें हैं कि क्या क्या चीज डिपेक्ट करेगी जेंडर इश्यूज, ये जेनरिक सी स्टेटमेंट्स होंगी, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा अगर जनरल सी स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। तो अगर जनरल सा क्वेश्चन आ जाता है जेंडर इश्यूज को लेके, वो आप अपनी नॉलेज से सॉल्व कर पाओगे इतना अंडरस्टैंडिंग से, जहां पे आंसर यूजुअली वही होगा जहां पे लिखा होगा कि गर्ल्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, जिस ऑप्शन से आपको लग रहा होगा कि हाँ गर्ल्स के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो जेंडर इश्यू में आएगा, ठीक है। फिर आ गया रेसिज्म। रेसिज्म में आप याद रखो, जेंडर्ड रेसिज्म इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन जो होती है ड्यू टू रेस एंड जेंडर, ठीक है। एक तो हो गया रेस, आपको होता ही है किसके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट किया जाता है, कास्ट, क्रीड, एथनिसिटी और ओरिजिन, प्लस इसके साथ आप जेंडर भी मिला लो। फॉर एग्जांपल कोई अगर वाइट फीमेल है, ठीक है, एंड वाइट मेल है, मतलब वेस्टर्न, ठीक है, तो उनमें जो फीमेल है उनको थोड़ा बहुत जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी होगी एज कंपेयर टू मेल। अब आप सोचो कोई ब्राउन फीमेल है एज कंपेयर टू वाइट मेल, वाइट फीमेल एंड ब्राउन मेल, उनको ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो वो ब्राउन है, ठीक है, वाइट के कंपैरिजन में वो ब्राउन है, ये स्किन कलर की बात हो रही है, एंड वो एक फीमेल है, तो इसको हम जेंडर रेसिज्म बोलते हैं, जहां जेंडर भी ऐड हुआ है रेस के साथ, एंड ये कॉइन किया था फिलोमिना एसिड ने, ठीक है। एंड आपको क्या करना है इसमें, कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 15 ही, हम आर्टिकल्स आगे देखेंगे, ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जो इक्वालिटी की बात करता है फीमेल एंड मेल्स की। अब देखो ऑन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई कमी नहीं रखी है दोनों को इक्वल बताने में। तो कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 14 क्या कहते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजरों में सब बराबर है, ये बात। आर्टिकल 15 कहता है, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सेक्स दैट मीन चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो इस बेसिस पे। आर्टिकल 16 क्या है, ये बोलता है डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दैट मीन जॉब के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। उसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से पढ़ा है, लेकिन लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है आईएएस एग्जाम आप कल से बोल दो कि फीमेल्स फॉर्म नहीं भर सकती है, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होगा। तो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में। आर्टिकल 13 क्या कहता है, दैट स्टेट शेल मेक श्योर मेन एंड वुमेन, उनको इक्वल राइट होगा टू एन एडुकेट लाइवलीहुड। आपको कोई नहीं बोल सकता आप लड़की हो तो आप कमा नहीं सकते हो, आपको कल्चर आपको बोल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेगा। आर्टिकल 42 क्या कहता है, स्टेट जो होगा इट शेल सिक्योर ह्यूमेन कंडीशन, ह्यूमेन एंड जस्ट कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मेटर्निटी रिलीफ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14, ठीक है। तो आपके काम के लिए भी जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए, लाइक अगर फीमेल्स काम कर रही हैं तो वॉशरूम ब्रेक उनको मिलनी चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम होने चाहिए, प्लस उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग कितने टाइम तक उनको लीव्स वगैरह मिलती हैं, वो सब कुछ चीजें जो है आपको फीमेल्स को देनी है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं इनके रिगार्डिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके वुमेन राइट वाले में भी आ जाएंगे, ठीक है, आपके जेंडर वाले में भी ये आर्टिकल जो है आ जाते हैं, प्लस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये आपको जरूर याद करने हैं, ठीक। फिर देख लो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, इस एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी 2017 में, जिसने क्या किया था, पेड मैटरनिटी लीव जो है फॉर वुमेन एम्प्लॉयज विद लेस देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन, वो एक्सटेंड की थी 12 से लेकर 26 वीक्स तक। तो आपको ये याद रखना है, इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, मैटरनिटी लीव जो है वो 12 से 26 वीक तक की हो गई थी, प्लस अगर किसी ने चिल्ड्रन, कोई बच्चा अडॉप्ट किया है चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स, वो 12 वीक ऑफ मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, ठीक है। एंड
ऑल्सो अलाउड द मदर्स टू वर्क फ्रॉम होम आफ्टर कम्प्लीटिंग 26 वीक्स. एक तो 26 वीक तक की लीव है, प्लस अगर जिसने आपको जॉब दी है विद हिज कंसेंट, विद हिज और हर कंसेंट, आप क्या कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो. फिर हो गया स्पेशल मैरिज एक्ट, ये किसके रिगार्डिंग है, ये इंटरफेथ मैरिज के रिगार्डिंग है, ठीक है, इसमें ये याद रख लेना. हिंदू सक्सेशन एक्ट किसके रिगार्डिंग है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग है, प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी. तो पहले जो मेल थे वो लीगल अर्थ थे, वो कभी भी ये डिमांड कर सकते थे कि अपनी अपने फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा बाय मैटर ऑफ हिज बर्थ, बर्थ राइट था उनको, डिफॉल्ट अर बन जाते थे, अर मीन्स वारिस. लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुई 2005 में, जिसने क्या बोला, जो फीमेल्स हैं उनको भी बाय डिफॉल्ट जो है वो ओनरशिप मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी की, एंड उसको हम बोलते हैं कॉपर्सनरी राइट्स. ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, मैराथन में किया है, शायद एमसीक्यू भी होगा इसके रिगार्डिंग कोई, ठीक है. तो ये अब देखते हैं ट्रांसजेंडर. ट्रांसजेंडर क्या होता है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आती हैं. इसका मतलब होता है वो लोग जो उनको जेंडर बर्थ पे असाइन होता है लेकिन वो आइडेंटिफाई करते हैं खुद को दूसरे जेंडर से. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी पैदा हुआ है मैन, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, वो खुद को लड़की समझना शुरू हो जाए, वो आइडेंटिफाई करे खुद को एज ए वुमन एंड नॉट एज अ मैन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं. तो गवर्नमेंट ने इन पे काफी काम किया है, इनके लिए एक्ट भी लाया है, एंड काफी ज्यादा जो है इनकी क्रूअलिटी इन पे जो होती है उसके अगेंस्ट क्या है, उस उन क्रूअलिटी को प्रोहिबिट भी किया हुआ है, जो हम आगे देखेंगे. ट्रांसजेंडर्स को लेके क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, 2009 में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था, डायरेक्शंस इशू किए थे टू ऑल द प्रोविंसेस अमेंड करने के लिए द फॉर्मेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, और कहा था ऑप्शन अदर्स जो है उसमें इंक्लूड करो, ये चीज आप याद रखो. प्लस सुप्रीम कोर्ट ने इन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नलसा बोलते हैं, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कहा था उनको रिकग्नाइज करो एज थर्ड जेंडर. फाइन, तो थर्ड जेंडर रिकग्निशन कहाँ से मिली थी, सुप्रीम कोर्ट से, इन नलसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में. जस्टिस राधा कृष्णन ने कहा है कि जो रिकग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर है वो कोई सोशल या मेडिकल इशू नहीं है, वो एक ह्यूमन राइट्स इशू है, ठीक. फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंडर आर्टिकल 21 क्या दिया हुआ, राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स ये खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, ये उस इंसान की मर्जी है, इंसान के पास राइट है खुद को आइडेंटिफाई करने का, वो क्या करेगा, ठीक है. और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, अंडर आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 क्या कहते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज रिलेटेड टू योर राइट टू लाइफ. एंड उसी आर्टिकल 21 के अंडर एक क्लॉज आता है राइट टू डिग्निटी एंड ऑटोनोमी का, ठीक है. तो जो ट्रांसजेंडर्स को राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मिला है, वो मिला है अंडर राइट टू डिग्निटी एंड ऑटोनोमी, जो आता है आर्टिकल 21 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे. साथ में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट इन 2019, इसने क्या कहा था, इस एक्ट ने, ट्रांसजेंडर कौन इंसान होता है whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth, जो मैंने आपको बोला, ठीक है, अगर वो लड़का पैदा हुआ है, हो सकता है बाद में खुद को आइडेंटिफाई करे एज लड़की. तो जो ये बिल है, इसने डिफाइन किया है ट्रांसजेंडर को एज द वन जो नीदर होली फीमेल नॉर मेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ फीमेल एंड मेल है, या नीदर फीमेल नॉर मेल है, ठीक है. इन एडिशन, पर्सन जेंडर मस्ट नॉट मैच द जेंडर असाइन एट बर्थ. तो ये जो है मैंडेटरी कंडीशन है, पर्सन का जो जेंडर है वो उसके जो उसको बर्थ पे मिला है, वो बाद में उसके जो जेंडर के साथ वो खुद को आइडेंटिफाई करेगा जिस जेंडर के साथ, वो दोनों अलग होने चाहिए. तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, ट्रांसमैन. ट्रांसमैन कौन से होते हैं, जो वुमेन पैदा हुए होते हैं लेकिन बाद में खुद को एज मैन खुद को आइडेंटिफाई करते हैं. ट्रांस वुमेन कौन से हुए, जो मैन पैदा हुए होती हैं लेकिन बाद में वो खुद को एज वुमेन आइडेंटिफाई करती हैं. इंटरसेक्स होते हैं वो लोग जो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ पैदा होते हैं, जो ना मेल और फीमेल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. एंड जेंडर क्वीड्स होते हैं जो दोनों के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको जेंडर, वो फ्लूडिटी उनमें होती है. फॉर एग्जाम्पल, वो बियर्ड भी रखेंगे एंड लिपस्टिक भी लगाएंगे एंड इयररिंग्स भी लगाएंगे, ठीक है, तो वो जेंडर क्वीड्स होते हैं. ये जेंडर क्वीर, इट इज यूज बाई इंडिविजुअल हु डोंट एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाई एज मेल और फीमेल और हु रिजेक्ट द कन्वेंशनल बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर. पीपल हु आइडेंटिफाई जेंडर क्वीर मे सी देयर जेंडर एज फ्लूइड इनकम्पैसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ठीक है. तो वो जो बाइनरी हमें बना हुआ है दो, मेल और फीमेल, वो उससे खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते कि मैं सिर्फ मेल हूँ या सिर्फ फीमेल हूँ. तो उनमें एक फ्लूडिटी होती है, वो मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी दोनों आप उनमें देखोगे. एग्जाम्पल याद रख लो, दाढ़ी भी है, लिपस्टिक भी लगाई हुई है.
अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट. अब देखो इसमें आप क्या याद रखो, ज्यादा आप इतना सारा पढ़ो एंड याद रखो, ये जो एक्ट है ना ये लाया गया था जेंडर, जो ट्रांसजेंडर्स है उनके फायदे के लिए लाया गया था, ठीक है, एंड जो उनके साथ सोसाइटी में गलत हो रहा है उसको प्रोहिबिट करने के लिए. तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी ये आता है प्रोविजन इस एक्ट के रिगार्डिंग, एक तो जो फैक्चुअल चीजें थी वो आपको पढ़नी है, वो मैंने ऊपर बताई, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह क्या थी. अब अगर ऐसा प्रोविजंस में ऐसा कोई पार्ट आ जाता है एमसीक्यू में जो स्टेटमेंट इनके हक में होगी ट्रांसजेंडर्स की, तो मोस्टली वो आंसर ठीक होगा. एंड अगर आपको ये आया कि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और उसमें कोई एक स्टेटमेंट होगी जो ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट होगी, तो वो मोस्टली रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये इनके सपोर्ट में लाया गया था, ना कि इनके अगेंस्ट, ठीक है. तो ये एक तरीका होता है कोई भी एक्ट अगर हो उसकी वो याद करने का, एक तो जो उस एक्ट की फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको याद करनी है, प्लस ये देखो ये वो एक्ट किसके फॉर या किसके अगेंस्ट लाया हुआ है, तो यूजुअली जो आंसर्स है उसी अराउंड बिल्ड होंगे. सिस जेंडर होते हैं, इट इज अ जेंडर आइडेंटिटी, मीन्स जो सेक्स के साथ वो पैदा हुए हैं, जो उनको एज बर्थ असाइन हुआ है वही उसी के साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं. मैन विल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज ए मैन, और जो फीमेल है वो आइडेंटिफाई करेंगी खुद को एज ए वुमन. LGBTQ है, इट इज नथिंग, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें वेरियस सेक्सुअल ऑरियंटेशंस एंड जेंडर आइडेंटिटीज आती हैं, ठीक है. ये LGBTQ एक्सटेंड होता रहता है, इसमें आज A+, आई थिंक AI+ कुछ ऐसा और आगे ऐड हो गई हैं और चीजें. ट्रांसजेंडर इश्यूज क्या क्या है, उनको लीगल प्रोटेक्शन, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, अभी तक उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं थी लेकिन ये चेंज हो रहा है. पॉवर्टी है, हरासमेंट है, एंटी ट्रांसजेंडर वायलेंस बहुत कॉमन है, बैरियर्स टू हेल्थ केयर, ठीक है, वो हेल्थ केयर भी उनको सही से अवेल वो नहीं कर पाते हैं. तो ये सारे इश्यूज हैं. अगर इश्यूज के लेके कोई क्वेश्चन आया उसमें भी यूजुअली जेनरिक सी स्टेटमेंट्स होंगी, जनरल सी स्टेटमेंट्स होंगी, एंड ये जो इश्यूज वगैरह होती हैं इनमें मोस्टली आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है. तो कुछ टेक्निक्स होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको कोई इंटेलिजेंट वेज बताऊंगी मैं एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए. ह्यूमन राइट्स की तरफ चलते हैं. ह्यूमन राइट्स वो वाले राइट हैं वो आपको मिलते हैं बिकॉज यू आर ह्यूमन, इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के हो, किसी पर्टिकुलर रेस के हो, ठीक है, वो आपको इसलिए मिलते हैं ड्यू टू एवरी मैन वुमेन चाइल्ड बिकॉज दे आर ह्यूमन, इतना याद रख लो पहले. ये जो ह्यूमन राइट्स हैं इनको ऑफिशियली किसमें प्रोक्लेम किया गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इसको अडॉप्ट किया था UNGA ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, कब किया था, 10 दिसंबर 1948. तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है. एंड याद रख लो ये जो राइट्स हैं इनको बोला जाता है क्लेम्स अगेंस्ट स्टेट. अब क्लेम्स अगेंस्ट स्टेट क्यों है, क्योंकि देखो जैसे ह्यूमन राइट, ठीक है, राइट टू मूवमेंट वो भी ह्यूमन राइट में आता है, एंड उस चीज पे रिस्ट्रिक्शंस कौन इम्पोज कर सकता है, किसके पास अथॉरिटी है, पावर है आपको रोकने की, वो गवर्नमेंट के पास है. तो ये जो राइट्स आपको मिलते हैं ये अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको मिलते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्रिंज ना करे आपके जो नॉर्मल जो आपको बीइंग ह्यूमन राइट मिलने चाहिए फॉर बीइंग ह्यूमन, गवर्नमेंट उनको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है क्लेम्स अगेंस्ट स्टेट. तो यहाँ पे ये याद रख लो. फिर देखो तीन काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स होते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसकी यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है. इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स, ये सिंपल है, और ग्रुप एंड सॉलिडारिटी राइट्स, इनको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन राइट्स भी बोला जाता है, ठीक. ग्रुप एंड सॉलिडारिटी राइट्स कौन से वाले होते हैं, ये राइट टू डेवलपमेंट, पीस, क्लीन नेचुरल एनवायरमेंट, ये सारे, ठीक. फिर नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या चीज आपको याद रखनी है, जो राइट्स होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल मॉरल राइट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सल है, इसका मतलब है हर कंट्री का, हर लोग, हर इंसान, हर कंट्री का जो है उसको उसके पास ये राइट्स हैं. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी रिच कंट्री को या डेवलप्ड कंट्री के लोगों को राइट्स दोगे, नहीं, ये यूनिवर्सल है. ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स, वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल इज दैट राइट जो है आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन द स्टेट इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, ठीक है, ये आर्टिकल 2 है UDHR का. ये ट्रांसेंड करते हैं नेशनल बाउंड्रीज और आइडियोलॉजीज, दैट मीन्स ये ग्लोबली हर किसी कंट्री पे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी आइडियोलॉजी का हो, किसी कल्चर का हो, सबके लिए इक्वल है. द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट जो है कॉम्प्रहेंसिव है इन इट्स नेचर एंड कंटेंट, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव इस हिसाब से कि इसमें जो 30 आर्टिकल्स हैं UDHR के, उसमें ह्यूमन राइट के हर इशू को जो है ऑलमोस्ट टच किया गया है, ठीक है. ये जो राइट्स हैं ये इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट है, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है. दे आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड, ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. ये एब्सोल्यूट नहीं है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है हर सिचुएशन में हर जगह आपको ये राइट्स नहीं मिलेंगे, कभी कभी गवर्नमेंट इनको लिमिट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल वॉर चल रही है, ठीक है, वॉर के टाइम पे कुछ ह्यूमन राइट्स को, जैसे वॉर चल रही है, ठीक है, अब आपको मूवमेंट आपके लिए रिस्ट्रिक्ट
करेगी उस टाइम पे गवर्नमेंट आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते मेरा ह्यूमन राइट मुझे मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल ऑफ UDHR मैं मूवमेंट कर सकता हूँ. नहीं, आप वो नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कुछ केसेस में ये रिस्ट्रिक्शन आप पे इम्पोज कर सकती है. सेम इज द केस विद योर फंडामेंटल राइट, वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. अगर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो कुछ केसेस में कोई आर्टिकल्स जो है फंडामेंटल राइट अदरवाइज जो आपके पास है वो सस्पेंड कर सकती है. सेम इज विद योर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये एब्सोल्यूट अनलिमिटेड नहीं है, इमरजेंसी के टाइम पे इनको सस्पेंड किया जा सकता है. फिर हो गया ये, फिर ये छोड़ लो, ये भी लीव इट. हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस कर रहे हैं. अब देखो इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या हुए डेवलप करने के लिए ह्यूमन राइट नॉर्म को. कुछ लैंडमार्क डेवलपमेंट हुई एट द इंटरनेशनल लेवल विच हैव ब्रॉट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन द एजेंडा ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड लॉ. अब इंटरनेशनली क्या हो रहा था कि ह्यूमन राइट जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाने लगा. उसमें कुछ चीजें हैं, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ये डॉक्ट्रिन क्या करता है, दिस डॉक्ट्रिन रिकॉग्नाइजेज एज लॉफुल द यूज ऑफ फोर्स बाय वन और मोर स्टेट्स टू स्टॉप द माल ट्रीटमेंट ऑफ ए स्टेट ऑफ इट्स ओन नेशनल्स. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ इन शॉर्ट कि अगर कोई कंट्री अपने लोगों से, अपने ही कंट्री के लोगों के साथ कुछ ऐसी माल ट्रीटमेंट करे, दैट मीन्स उनके साथ कुछ बुरा कर रही हो, तो बाकी कंट्री जो है वो उसमें इंटरवीन कर सकती हैं. ठीक है, अगर आपने सुना होगा ये नाम मोहम्मद गद्दाफी लीबिया में, तो इनकी गवर्नमेंट को इसी बेसिस पे गिराया गया था. ऑल्दो इसको एक पॉलिटिकल टूल यूज किया जाता है फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, बट ये है एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का मतलब यही होता है. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसमें आप देखो चार जेनीवा कन्वेंशन है. पहली जेनीवा कन्वेंशन जो है ट्रीटमेंट, इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंडेड एंड सिक मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑन बैटल फील्ड. सेकेंड जेनीवा कन्वेंशन जो है इट पर्टेन्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंडेड सिक एंड शिपरेक्ड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एट सी. तो बैटल फील्ड के लिए फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन है, सी के लिए सेकेंड है. जो ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनके ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स उनके लिए जेनीवा कन्वेंशन थर्ड है. एंड फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन किन के लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर. ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है ये डेवलप हुआ था थ्रू मेनी ट्रीटीज, काफी ट्रीटीज आई थी कि कैसे हमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को मेंटेन रखना है. फाइन, एंड फाइनली इसको कंसोलिडेट किया गया था चार जेनीवा कन्वेंशन में जो आपके सामने है. यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी में ये याद रखो, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी जो है कंसर्निंग ह्यूमन राइट, दे वर लिंक्ड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. ठीक है, तो पहली इंटरनेशनल ट्रीटी कंसर्निंग ह्यूमन राइट वो किसके बारे में थी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. ठीक है, उसमें इतना याद रख लो. फिर ILO जो है इट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1919 एंड बिकेम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN 1946 में. तो किसके बारे में, लेबर स्टैंडर्ड्स है जो लेबर लॉज वगैरह बनाते हैं आपके वर्कर्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट एंड नेचुरल राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लो. पहले तो लिखा है जो ह्यूमन राइट है इट रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट कि जो हर मेंबर है ह्यूमन रेस का हैज अ सेट ऑफ बेसिक क्लेम सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ हिज ह्यूमननेस. दैट मीन्स वो राइट उसको इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो इंसान है. ठीक है, वो क्योंकि वो ह्यूमन है. एंड ये जो राइट्स हैं ये यूनिवर्सल है, वो मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है. पहले क्या होता था, जो राइट्स हैं जैसे ह्यूमन राइट्स हैं उनकी बातें पहले भी हुआ करती थी, एंड तब उनको नेचुरल राइट्स या राइट्स ऑफ मैन बोलते थे. और जो थ्योरी है नेचुरल राइट्स की, ये इमर्ज इन द 17th century इन द राइट्स राइटिंग्स ऑफ ग्रोटियस, हॉबीज एंड लॉकी. ठीक है, तो वो क्या कहते थे, नो वन ऑट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और पोजेशंस. दैट मीन्स आप किसी और की लाइफ, उसकी हेल्थ, उसकी आज़ादी या जो चीज़ें उसके पास हैं वो पोजेस करता है उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो. ये था एक आपका थ्योरी, एक पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट या नेचुरल लॉ ये था. ठीक है, ये जो थ्योरी थी इसको एक्सप्रेस किया गया था इन द राइटिंग्स ऑफ जॉन लॉकी इन हिज बुक द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट. तो द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट किसकी बुक है, जॉन लॉकी की. ठीक है, उन्होंने कहा राइट टू लाइफ, लिबर्टी, एस्टेट जो ही नेचुरल राइट्स हैं, और जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको हम बोलते हैं डिसेंडेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट. ठीक है, दैट मीन्स नेचुरल राइट की थ्योरी से ही आपका जो ह्यूमन राइट्स है वो डिराइव हुए हैं. सिमिलरली एक अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो साइन किया गया था 1776 में, इसने भी ये बात की थी ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड ऑल. ठीक है, ये सारी बातें.
फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है ऑफ फ्रांस इन 1789, इसने भी यही कहा था कि सारे जो राइट्स हैं वो नेचुरली लोगों को मिलने चाहिए, सारे जो है दे आर बॉर्न इक्वल. इन शॉर्ट ऑल दिस डिक्लेरेशंस एम्फसाइज अबाउट द राइट्स ऑफ मैन एज मैन एंड नॉट एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, जब ह्यूमन राइट को ऑफिशियली प्रोक्लेम किया गया उससे पहले इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा था जिससे हमारे सामने ये बातें आई कि हमें नेचुरल राइट जो ह्यूमन राइट है उनको हमें कैसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए. ठीक है, तो जैसे अकॉर्डिंगली आपके तो नेचुरल जो थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स है वो सामने आई कि उसमें क्या चीजें डिस्कस हुई. फिर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो ऑलरेडी दिया हुआ था, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो ऑलरेडी दिया हुआ था. ठीक है, तो फिर ये सारी चीजों को एनालाइज किया गया कि इन सब में भी यही बातें की हुई हैं. एंड फिर ऑफिशियली फाइनली एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोक्लेम किया गया जिसको हम बोलते हैं UDHR. ठीक है, और वो कब अडॉप्ट हुआ, 10 दिसंबर 1948. ह्यूमन राइट्स दस आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स. ठीक है, आगे देखते हैं. द चार्टर ऑफ द यूएन 1945 परहैप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट. ठीक है, इस चार्टर में बार बार रेफरेंस दी गई है किसको, ह्यूमन राइट्स को. ये कंसिडर करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डिपेंड करती है ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. दैट मींस आपको अगर इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है तो जो ह्यूमन राइट्स हैं वो लोगों को देने पड़ेंगे. ठीक, ये हम चलते हैं आगे. द असेंबली कंप्लीटेड इट्स टास्क बाय अडॉप्टिंग UDHR, दैट इज अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसमें इसको ऑफिशियली प्रोक्लेम किया गया. एंड वो कब हुआ, 10 दिसंबर 1948 को. तो ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी होगी, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 10 दिसंबर 1948. फिर UDHR में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखना है. बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट. इसमें तीन चीजें आती हैं, एक आपका UDHR है, एक इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट है, एक इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल है. ठीक है, एंड हमें क्या डिस्कस करना है उसमें से, पहला वाला डॉक्यूमेंट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है. तो जो UDHR है इट हैज बीन ड्राफ्टेड अराउंड 4 पिलर्स, इसमें डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड है. ठीक है, 4 पिलर्स UDHR के. फिर अगेन ये डेट. अब जो UDHR है इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था मेन, ये इमर्ज फ्रॉम द एशेज ऑफ वॉर्स एंड द हॉरर्स ऑफ द होलोकास्ट. अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो काफी ज्यादा ट्रोमेटिक इवेंट हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिससे होलोकॉस्ट हुआ था उस टाइम पे. होलोकॉस्ट क्या था, एक्सटर्मिनेशन ऑफ मतलब किलिंग ऑफ ऑलमोस्ट 70 मिलियन ज्यूज, एंड वो किसने किया था, नाजी आर्मी ने, नाजी आर्मी हेडेड बाय हिटलर. तो काफी बुरा होलोकॉस्ट हुआ था ज्यूज का, इनको गैस चेम्बर्स में डाला गया था काफी ज्यूज को, तो वहां पे उनकी डेथ्स हुई थी और ये काफी ट्रोमेटिक इवेंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. इसके बाद गवर्नमेंट्स को लगा नहीं, हमें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए एंड ऑफिशियली जो है ह्यूमन राइट्स है उस पर बात होनी चाहिए और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे सामने आना चाहिए. अब जो डिक्लेरेशन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसमें ह्यूमन राइट्स को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था, ये ड्राफ्ट किया था एक कमिटी ने, उस कमिटी की चेयरपर्सन थी एलेनोर रूजवेल्ट, रूजवेल्ट USA. ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की वाइफ. एंड इसमें रिप्रेजेंटेटिव थे किन किन कंट्रीज से, रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेबनन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, USSR, UK एंड कैनेडा. UDHR जो है इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सैलिटी, इंडिविजिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंसी. यूनिवर्सैलिटी मीन्स ये सब पे अप्लाई होता है जैसे मैंने आपको बताया. इंडिविजिबल होता है अगर आप इसमें से एक भी राइट किसी इंसान को ना दो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके दूसरे राइट पे भी पड़ेगा. दैट मीन्स अगर 30 राइट्स है इसके अंडर आपको 30 के 30 जो है वो लोगों को देने हैं. इंटरडिपेंडेंट का भी यही मीनिंग होता है, इसका मतलब हुआ कि जो सारे राइट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे इसमें बोला जाता है आप किसी एक को नहीं ले सकते हो, ऐसा नहीं है 30 में से बोलो चलो 25 दे दो आधे लोगों को, नहीं ऐसा नहीं होता है, सारे इंपॉर्टेंट है. अब इसमें क्या बोला गया है, इंडिविजिबल मींस अगर आधे राइट्स लोगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट बाकी राइट्स पे भी पड़ेगा. इंटरडिपेंडेंट है कि किसी को कोई प्रायोरिटी एक्स्ट्रा नहीं है. ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते इन 30 में से 20 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 कम इंपॉर्टेंट है, आपको सारे राइट्स देने पड़ेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन ह्यूमन राइट्स पे बात होना एंड जो भी टेरिबल एक्सपीरियंसेस हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उसको करेक्ट करना. ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 1 का थोड़ा लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 का वो हम आगे देखेंगे, मैंने सारे आर्टिकल जैसे मेंशन किए हुए हैं. ये हो गया, इन्हीं को डिटेल में लिखा हुआ है. हाँ, चेयरमैनशिप होगी एलेनोर रूजवेल्ट, ये मैंने आपको बताया. इन्होंने ह्यूमन राइट्स इस UDHR को बोला था कि इट इज द इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ऑल मैनकाइंड. ठीक है,
मैग्ना कार्टा को हम द ग्रेट चार्टर भी बोलते हैं, ग्रेट चार्टर। ये इशू किया था 1215 में किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात हुई थी, डेमोक्रेसी की बात हुई थी, ठीक है। इसमें बोला गया था कि जो किंग है, इवन ही इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू लॉ, किंग इज नॉट अबव लॉ, ठीक है। तो ये मैग्ना कार्टा में ये सब चीजें डिस्कस हुई थी। तो यही इसने फ्रैंकलिन रूजलवे की जो वाइफ थी एलेनर रूजलवे, उन्होंने क्या कहा था कि जो यूडीएचआर है वो इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा है फॉर ऑल मैनकाइंड। जैसे मैग्ना कार्टा कहाँ इश्यू हुआ था, इंग्लैंड में, तो उनका कहना था ये मैग्ना कार्टा ही है लेकिन पूरी मैनकाइंड का, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव किस किस कंट्री के थे, ये सारे ये हमने अभी बताया मैंने आपको। एंड ये जो यूडीएचआर है इसमें 30 आर्टिकल्स हैं अफर्मिंग एन इंडिविजुअल्स राइट, ठीक है। जो भी ह्यूमन राइट इनके अकॉर्डिंग, इस कमिटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स के लिए, उनको 30 आर्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। और ये जो कमीशन थी, इनकी डेलीगेट ऑफ इंडिया कौन थी, हंसा मेहता, दैट मीन जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। और शी इज क्रेडिटेड विद चेंजिंग द फ्रेज ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री एंड इक्वल टू ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, ठीक है। तो ऑल मेन को उन्हें कन्वर्ट करवाया था ऑल ह्यूमन बींग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम हंसा मेहता और एलिनर रूजलवे, ठीक है। ये हो गया यूडीएचआर। हाँ ये देख लो, ये जो यूडीएचआर है इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे फॉलो तो आपको पनिश किया जाएगा लीगली, मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं है आप पे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हर कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन वन वे और द अदर एडॉप्ट किया हुआ है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं, और काफी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी भी, वो कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर हुए हैं। ये देख लो आप, हाँ एनजीओ देख लो, इंपॉर्टेंट एनजीओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी ह्यूमन राइट के एनजीओ है। ये देख लेना कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1961 में। एंड ह्यूमन राइट वॉच, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1986 में इन न्यूयॉर्क। अब यूडीएचआर के आर्टिकल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको दिखाया, ये आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। तो आर्टिकल वन कहते हैं ऑल आर बॉर्न फ्री, आर्टिकल टू किसके बारे में कहते हैं राइट्स ऑफ यूडीएचआर, आर्टिकल थ्री कहते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, आर्टिकल फोर किसके बारे में बात करते हैं किसी को भी हम स्लेव नहीं रख सकते हैं, आर्टिकल फाइव कहते हैं किसी को भी हम टॉर्चर या इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, आर्टिकल सिक्स कहते हैं सबको सेम लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, दैट मीन्स अगर किसी क्राइम की कोई सजा है वो सबके लिए होनी चाहिए। सेम आर्टिकल सेवन कहता है लॉ जो है वो सबके लिए सेम है और हम सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, आर्टिकल एट कहता है सबको लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आर्टिकल सिक्स सेवन एट जो है वो लीगल राइट्स और लीगल प्रोटेक्शन के बारे में ही है। आर्टिकल नाइन ये पीवाईक्यू में आया था कि आप किसी को भी अरेस्ट या पुट इन प्रिजन, जेल नहीं कर सकते या डिटेन नहीं कर सकते अपनी कंट्री से, उसको भेज नहीं सकते अनलेस आपके पास कोई गुड रीजन हो। आर्टिकल 10 कहते हैं हर किसी को राइट टू अ फेयर एंड पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अगर किसी को अक्यूज किया गया है उसको कोर्ट में उसकी सुनवाई वगैरह वो फेयर तरीके से सारे काम होना चाहिए। आर्टिकल 11 कहता है कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है, वो हमारे इसमें भी है, हमारे कानून में भी है वो। आर्टिकल 12 कहता है कि हर किसी को भी राइट नहीं है हमारे घर एंटर होने का ओपन आर मेल या इंट्रूड ऑन आर फैमिलीज विदाउट गुड रीजन, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे ही कोई उठ के आके हमारा घर सर्च नहीं कर सकता है। आर्टिकल 13 हमारे पास राइट है मूव करना फ्रीली विद इन आवर कंट्री और विजिट करना, लीव करना कंट्री व्हेन वी विश। आर्टिकल 14 राइट टू गो टू अनदर कंट्री टू सीक प्रोटेक्शन, इसको पॉलिटिकल असाइलम भी बोला जाता है सीक करना, ठीक है। आर्टिकल 15 है हमारे पास राइट है टू बी अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री, और आर्टिकल 16 कहते हैं हमारे पास राइट है शादी करने का एंड हैव अ फैमिली जैसे कि हमारी मर्जी हो। आर्टिकल 17 है राइट टू है हमें राइट टू आर ओन प्रॉपर्टी। आर्टिकल 18 कहता है फ्रीडम टू थिंक है हमें एंड टू बिलीव अपने रिलीजियस राइट्स और रिलीजियस बिलीफ को लेके। आर्टिकल 19 है हमारे पास राइट है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का। आर्टिकल 20 है हमें पास राइट है ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पीसफुल मीटिंग्स के लिए फॉर्म करना, ठीक है। अब देखो आपको कैसे इनका तरीका क्या है याद करने का, आपको कीवर्ड्स याद करना है, आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं याद करना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना वैसे आपको याद करना है कि आर्टिकल 1 कहते हैं सारे फ्री हो, आर्टिकल 2 कहते हैं राइट्स हैं आपके पास, आर्टिकल 3 कहते हैं राइट टू लाइफ एंड लिव इन फ्रीडम है, 4 कहते हैं आप स्लेव नहीं रख सकते, 5th कहते हैं टॉर्चर या इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ऐसे आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं सिर्फ, उससे क्या होगा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट समझ के आप सॉल्व कर सकते हो। 20 हो गया, आगे देखते हैं। राइट है टू टेक पार्ट अपने पॉलिटिकल अफेयर्स में, इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करने का राइट है हम सबके पास। राइट है
द सोसाइटी वी लिव इन शुड ऑल्सो हेल्प एवरी पर्सन टू डेवलप टू देयर बेस्ट एबिलिटी थ्रू एक्सेस टू वर्क, इन्वॉल्वमेंट इन द कल्चरल एक्टिविटी एंड राइट टू सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर, कोई भी काम करना, कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, वो भी राइट है हमारे पास. जॉब वगैरह का, एम्प्लॉयमेंट एंड फ्री टू चूज आर वर्क, जो मर्जी वो करो, वो भी हमारे पास राइट है. ठीक है, आर्टिकल 24 है राइट टू रेस्ट एंड लेजर टाइम, वो भी हमारे पास राइट दिया गया है. 25 है फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर को लेके राइट. आर्टिकल 26 है एजुकेशन को लेके. आर्टिकल 27 है हम इन्वॉल्व हो सकते हैं कम्युनिटी के एक्टिविटीज में, लाइक आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर एंड साइंसेज में. ठीक है, एंड देखो अगर कोई भी आप में जनरल इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, यूपीएससी, जेकेपीएससी, जो ये आर्टिकल्स है ना, ये आपके जीएस का भी आंसर बनाने में हेल्प करते हैं. जैसे एजुकेशन की बात हो तो आप यूडीएचआर का आर्टिकल भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आर्टिकल 28 जो है राइट टू लिव इन पीसफुल एंड ऑर्डरली सोसाइटी. आर्टिकल 29 है ड्यूटीज टू द कम्युनिटी वी लिव इन, हमें ड्यूटी जो है वो करनी चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए जिसमें हम रहते हैं. आर्टिकल 13 कोई भी इन राइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, कोई गवर्नमेंट, ग्रुप या इंडिविजुअल हमसे राइट्स नहीं छीन सकता है. ठीक है, ये लेकिन आपको साथ में याद रखना पड़ेगा ये एब्सोल्यूट नहीं है. दैट मींस अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. एंड आपको याद रखना है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हर कंट्री ने इन वन फॉर्म और द अदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, या अपने डॉक्यूमेंट्स में इन राइट्स को ऐड किया हुआ है. तो 30 राइट्स इनमें से पीवाईक्यू आया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए आप इनको मिस नहीं करोगे, आप ये पढ़ोगे. फिर आगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें गिवन ही था, दो सिर्फ आपको करने थे, सिगमंड फ्रूड की एंड आपको एरिक्सन की करनी है. ठीक है, तो ये सारी पहली जो इन्हें बातें करी थी इसको हम स्किप ही कर देते हैं, हम सीधे इनकी जो स्टेजेस हैं वहां पे पहुंचते हैं. फ्रूड साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो हमें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़नी है. अगर आपको थोड़ा डिटेल में देखना है, जो आगे वाला पोर्शन हमने स्किप किया हुआ है क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रही हूँ, तो उसके लिए आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, या आप अगर लेक्चर नहीं देखना है, उतना टाइम नहीं है, तो मैराथन भी देख सकते हो. ठीक है, तो सिगमंड फ्रूड ने क्या किया था, इन्होंने फाइव स्टेज मॉडल दिया है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का, कि कैसे हर स्टेज में आपका पर्सनैलिटी का कोई एक पार्ट डेवलप हो जाता है. ठीक, तो हर स्टेज में क्या होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे एंड हम उस स्टेज में सक्सेसफुली उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करेंगे. एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी स्टेज में एंड हम उसको रिजोल्व नहीं कर पाते हैं, उससे क्या हो जाती है, उससे फिक्सेशन हो जाती है. इसको फिक्सेशन बोलते हैं, रेफर्स टू एन अनरिजोल्व्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, और ये जो फिक्सेशन है वो हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर पर काफी असर डालती है लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में. अब वो देखते हैं स्टेजेस क्या क्या है. स्टेज वन है ओरल स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स. तो ये कौन सा टाइम हुआ आपका, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तब से लेकर 18 मंथ तक. तो इस स्टेज में को इन्होंने बोला है ओरल स्टेज. तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं याद रखने वाली, पहले तो आप स्टेज का नाम याद रखो कि ओरल स्टेज कौन सी वाली स्टेज आती है एंड उसके मंथ्स आपको पता होने चाहिए. फिर हम की पॉइंट्स देखेंगे हर स्टेज की. स्टेज वन में इनने कहा जो माउथ है दैट इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर ड्यूरिंग दिस स्टेज. अब वो सोर्स ऑफ प्लेजर कैसे है, क्योंकि मेजरली काम मुंह से होता है. सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है वो क्या करता है, उसको दूध पीना होता है माँ का, तो सकिंग एंड स्वॉलोइंग जो है उसको मेजर प्लेजर इन चीजों से मिलता है. तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, माउथ जो है वो सोर्स ऑफ प्लेजर बनता है इस स्टेज का. ठीक है, अब अगर इस स्टेज में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिसको हमने क्या कहा था, फिक्सेशन, ओवर ग्रेटिफिकेशन या अंडर ग्रेटिफिकेशन, कि एक्सेस स्वॉलोइंग हो गई, ओवर हो गया, या अंडर ग्रेटिफिकेशन, दैट मीन्स पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है इस स्टेज में, तो लीड्स टू द फिक्सेशन एट द लेटर स्टेज. तो वो क्या हो जाता है, जो फिर लोग बड़े होकर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड एडल्टहुड इन सब प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, वो वैसे लोग होते हैं जिनकी फिक्सेशन जो है ओरल स्टेज की सही नहीं हुई होती है, रिजोल्व नहीं हुआ होता है वो कॉन्फ्लिक्ट, या उनको ओवर ग्रेटिफिकेशन हुई होती है सकिंग स्वॉलोइंग से, या अंडर ग्रेटिफिकेशन. ठीक है, फ्रूड ने इन लोगों को क्या बोला, ओरल इनकॉर्पोरेटिव और ओरल इंजेस्टिव. लेटर ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन एक्सपीरियंस प्लेजर फ्रॉम च्यूइंग एंड बाइटिंग. ठीक है, फ्रूड फर्दर पॉइंटेड कि ये जो लोग हैं ये ज्यादा क्रिटिकल एंड सरकास्टिक होते हैं इन नेचर. ही रेफर्ड सच पीपल एज ओवर एग्रेसिव, ओरल एग्रेसिव और ओरल सेडिस्टिक. ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या याद रखोगे, स्टेज का नाम, बर्थ, माउथ से मेजर प्लेजर डिराइव होता है सकिंग स्वॉलोइंग, बाद में च्यूइंग बाइटिंग स्टार्ट हो जाती है. फ्रूड ने क्या कहा, ओरल इनकॉर्पोरेटिव, ओरल इंजेस्टिव इन लोगों को. फिक्सेशन किस चीज की वजह से होती है, अगर ओवर अंडर ग्रेटिफिकेशन होगी, एंड प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, बाद में स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग शुरू करोगे. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा वो आपको डीपली पूछना शुरू हो जाए कि क्रिटिकल और सरकास्टिक इन नेचर किस स्टेज के लोग हो जाते हैं, किस स्टेज में जिनने प्रॉब्लम देखी होती है, वो होते हैं जो ओरल स्टेज की प्रॉब्लम से गुजरे होते हैं. दैट मीन्स आप अगर किसी को सरकास्टिक इंसान को देखोगे ना, तो समझ लेना इसके ओरल स्टेज में ही प्रॉब्लम थी. तो ही रेफर्ड सच पीपल एज ओरल अग्रेसिव और ओरल सेडिस्टिक. फिर सेकेंड होगी एनल स्टेज, 18 मंथ्स टू 3 इयर्स.
तो जो यहाँ पे मदर्स हैं या जिन्होंने इतने छोटे बच्चों की देखभाल की है, उनको पता होगा ये वो स्टेज है जब बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। तो वॉशरूम वगैरह खुद से वो जाना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं उनको डायपर फ्री करने के लिए। अब इस स्टेज में बच्चा क्या सीखता है, बच्चा ये सीखता है कंट्रोल करना एंड डिले करना एक्सपल्शन ऑफ यूरिन एंड फेसेस, ठीक है। दैट मीन्स वो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है। तो बच्चे को प्लेजर किस में आता है, फ्रॉम देयर बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट, ठीक है। तो जो वो अपना अपने आप को रिलीव कर देता है थ्रू यूरिन एंड थ्रू फेसेस, उससे क्या हो जाता है, उसका प्लेजर डराइव होता है क्योंकि उसके अब कंट्रोल में आ गए बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फिक्सेशन अगर इस स्टेज में होगी वो रिजल्ट करता है इधर बीइंग टू मेसी लेसर सेल्फ कंट्रोल बट जेनरस, और बीइंग टाइडी ऑर्डरली बट मीन। देखो अब जिसकी जो ट्रेनिंग है, जिसको हम पॉटी ट्रेनिंग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर वो काफी स्ट्रिक्ट टर्म्स में हुई हो, ठीक है, तो वो जो बच्चा है कहीं ना कहीं फिक्सेशन उस स्टेज में हो जाती है। तो बच्चे बड़े होके क्या बनते हैं, टाइडी वो रहेंगे क्योंकि उनको काफी डरा धमका के ट्रेन किया होता है, टाइडी एंड ऑर्डरली रहेंगे, लेकिन वो मीन बन जाते हैं क्योंकि उनको बस सफाई चाहिए होती है हर हाल में। ये कहीं ना कहीं उनकी साइकी पे असर पड़ता है, वो बाकी चीजों की लाइफ में भी लाइफ की बाकी चीजों में भी थोड़ा उनका मीन बिहेवियर हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एनल रिटेंटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रूड ने बोला था। एंड जो इस स्टेज में जो बहुत ज्यादा लीनियंट अगर रहे होंगे पेरेंट्स, टू लीनियंट, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, बच्चा मेसी हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल कम होता है उसका अगर सही से ट्रेनिंग नहीं हुई हो, लेकिन वो जेनरस होता है क्योंकि उसको डरा धमका के ट्रेन नहीं किया गया होता है। इस चीज को क्या कहा था, एनल एक्सपल्सिव फ्रूड ने, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एनल स्टेज है 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स है, आपको प्लेजर किससे आता है, बाउल एंड ब्लेडर मूवमेंट से आता है, बच्चों को, आपको नहीं बच्चों को। एंड इसमें क्या कर सकते हो, कंट्रोल एंड डिले एक्सपल्शन ऑफ यूरिन एंड फेस। अब जिसकी ट्रेनिंग टू हार्श हुई हो वो क्या बन जाते हैं, एनल रिटेंटिव कैरेक्टर्स उनमें हो जाते हैं, टाइडी ऑर्डरली लेकिन मीन। एंड जिनकी ट्रेनिंग ज्यादा लीनियंट हुई हो वो मेसी होते हैं, सेल्फ कंट्रोल कम होता है, लेकिन वो जेनरस होते हैं। फिर थर्ड स्टेज आ गया फैलिक स्टेज, 3 to 5 ईयर्स, 3 to 5, नाम याद रखोगे। इसमें दो चीजें आपको समझनी है, इसमें एक डिफरेंस आती है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। फ्रूड ने कहा था चाइल्ड एक्सपीरियंस करते हैं दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस, एक को बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो ओडिपस होता है इसमें जो बेटा होता है उसके अंदर आती है सेक्शुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स मदर, एंड जो डॉटर होती है उसके अंदर आती है ये फीलिंग्स टुवर्ड्स फादर, ठीक है। एंड जो बेटे के अंदर फीलिंग आती है उसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, अगर बेटी के अंदर आती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो काफी फालतू थ्योरी मुझे लगती है इनकी, लेकिन हमें पढ़नी पड़ेगी, क्या करें, इसमें इतना ही याद रख लो। लेटेंसी स्टेज आती है 6 to 12 ईयर्स, इसमें क्या होता है, अब जो सेक्सुअल एनर्जी है इस स्टेज में उसको आप चैनलाइज कर सकते हो, किस तरीके से उस एनर्जी को निकालते हो, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके, और जो आपको ऑपोजिट जेंडर है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इस एज में 6 to 12। अगर आप थोड़ा रिकॉल करो ये वाली एक स्टेज, थोड़ी इनने कुछ सही बोली है, क्योंकि ऐसी ये वो वाली एज है, अगर एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आपको लड़के, अगर लड़की हो तो लड़के के साथ क्लास में बिठाया जाता है, बोलते हैं पनिश, अगर शोर किया तो मैं उस गर्ल के साथ आपको बिठाऊंगी, टीचर ने ऐसी बातें बोली होती हैं स्कूल में, क्योंकि ये वो स्टेज है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता ऑपोजिट जेंडर में, आप रिपल्सिव हो जाते हो उनसे। फिर आती है जेनिटल स्टेज 13 to adulthood, ये आपकी टीनेज है, इसमें सेक्सुअल एनर्जी जो है वापस आ जाती है, रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप जो है विद ऑपोजिट सेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये होगी इसकी 5 स्टेज। अब क्या याद रखोगे आप, पहले स्टेजेस के नाम, स्टेजेस के इयर्स और उनके की पॉइंट्स क्या थे। तो हमने क्या क्या देखा, हमने ओरल स्टेज देखी, फिर हमने एनल स्टेज देखी, फिर हमने फैलिक स्टेज देखी, फिर लेटेंसी देखी, एंड लास्ट में जेनिटल स्टेज देखी, ठीक है। तो आपको इनकी क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, पहले कौन सा आता है बाद में कौन सी आती है। फिर आ गया एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी। एरिक एरिक्सन की थ्योरी को साइकोसोशल बोला जाता है एंड फ्रूड की थ्योरी को साइकोसेक्सुअल बोला जाता है, ठीक है, साइकोसेक्सुअल। एरिक एरिक्सन जो था साइको एनालिटिक था लाइक फ्रूड बट डिफर फ्रॉम फ्रूड इन रिगार्ड टू साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। जो साइकोसोशल है इंस्टेड ऑफ साइकोसेक्सुअल ये इन्होंने दिया था, ठीक है। इसमें एक एपिजेनेटिक प्रिंसिपल इन्होंने कहा था, दैट मींस कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो वन स्टेज आफ्टर द अनदर डेवलप हो जाती है। ऐसा नहीं अगर जो बच्चा हरकतें करेगा वहां से सीधे हम टीनेज में पहुंचेंगे, तो हम हर स्टेज क्रॉस करेंगे, स्टेज बाय स्टेज हम आगे आगे लाइफ में चलते हैं। ये छोड़ लो फिर,
हाँ, इन्होंने कहा था दो चीजें मैं याद रखो, मैल अडेप्टेशन होती है एंड मेलिग्नेंसी होती है। इन्होंने क्या कहा था, मेलिग्नेंसी कब डेवलप होती है, जब इंसान में नेगेटिविटी ज्यादा हो एंड पॉजिटिविटी कम हो। नेगेटिविटी ज्यादा हो, पॉजिटिविटी कम, एंड इसका उल्टा है मैल अडेप्टेशन, पॉजिटिविटी ज्यादा हो नेगेटिविटी कम। दोनों ही जो है वो नेगेटिव आउटकम्स है, दोनों ही को नेगेटिव बोला गया है। अगर आपकी एक्सेस पॉजिटिविटी हो और नेगेटिविटी कम हो, वो भी एक नेगेटिव आउटकम है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो किसी पे तो धोखा ही खाते हो लास्ट में, बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट करना, तो ये भी एक नेगेटिव आउटकम देता है। एंड बिल्कुल ही किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, थोड़े सेल्फिश, कनिंग, सेल्फ सेंटर्ड टाइप के होना, वो भी एक नेगेटिव आउटकम है। तो वो किस में आता है, मेलिग्नेंसी में। इसीलिए हमें लाइफ में क्या अचीव करना चाहिए, बैलेंस अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए हर चीज में, स्टडीज, एजुकेशन, आपकी जॉब, लाइफ, बैलेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है हर चीज में। अब स्टेजेस देखते हैं, इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, तो 8 स्टेजेस इनकी थी, फ्रूट की कितनी थी, 5। पहला था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये इन्फेंट्स में आता है जब वो 0 to 1 ईयर होते हैं, ठीक है। तो इतनी छोटी स्टेज में उनमें कैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आ जाता है। अगर आप इतने छोटे बच्चे को भी ध्यान नहीं दो, जो प्राइमरी केयर गिवर होता है बच्चे का, अगर कोई बेबी सिटर हो, गार्डियन, लोकल गार्डियन हो, या मदर होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर बच्चे का डायपर गीला हो गया है, आप डायपर टाइम पे चेंज नहीं करो, बच्चा रो रहा है रो रहा है रो रहा है, तो बच्चे में बाद में इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाएंगे टुवर्ड्स लेटर एज ऑफ द लाइफ, ठीक है। इसीलिए दिस स्टेज फोकस ऑन इन्फेंट्स बेसिक नीड्स बीइंग मेट बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स को बच्चों की बेसिक नीड्स का ध्यान 0 to 1 ईयर से ही रखना होता है। ऐसा नहीं हम बोलेंगे छोटा बच्चा ही क्या समझेगा, इसको क्या पता चलेगा, तो बच्चे पे तब भी असर पड़ेगा एंड वो देखने को मिलेगा जब वो एडल्ट बन जाता है। इफ द पेरेंट एक्सपोज द चाइल्ड टू वार्म्थ, रेगुलरिटी एंड डिपेंडेबल अफेक्शन, इन्फेंट्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड विल बी वन ऑफ द ट्रस्ट, विल बी वन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो वो हर किसी पे अच्छे से ट्रस्ट करेगा, एक बैलेंस होगा उसकी लाइफ में। सेकेंड स्टेट है ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, ये आती है टॉडलर्स में 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज। इसको एनल मस्कुलर स्टेज भी बोला जाता है। ये वो वाली स्टेज है जब बच्चों में एलिमिनेटिव फंक्शंस जो है उन पे कंट्रोल आ जाता है। ये क्या होता है आपका, वही जो हमने अभी पढ़ा था, बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट, ठीक है, यूरिन एंड फेसेस वाला, एंड मोटर एबिलिटीज आ जाती है, वो चीजें ग्रैब करना शुरू कर देते हैं और काफी अच्छे से चीजें पकड़ते हैं एंड ऑल दैट, चलते फिरते खुद हैं, एंड दे बिगेन टू एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। अब जो पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स हैं, अगर वो एनकरेज करेंगे सेल्फ सफिशिएंट बिहेवियर, कि हाँ आप खुद से काम करो, गिर गए हो तो कोई बात नहीं, खुद से उठो, तो उनमें क्या आ जाता है, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है कि हाँ हमें काम अच्छे से कर सकते हैं। और लेटर स्टेज में क्या आएगा, उनमें ये सेंस आ जाएगा कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये काफी अच्छा थ्योरी है समझने के लिए भी, एक तो एग्जाम के लिए है भी, एंड सेकेंडली अगर कोई मदर देख रही है या आप ही कल को बनी जाओगे, तो बच्चों को कैसे हैंडल करना होता है वहां, ये चीज आप यहाँ से अभी सीख सकते हो कि उनको थोड़ा बहुत अटोनमी देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो जब बड़े हो जाएंगे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर डिमांड टू मच टू सून, कि थोड़ी ज्यादा ही अटोनमी दे दी कि खुद से ही कर लो सारा, या आप रिफ्यूज करोगे टू लेट चिल्ड्रन परफॉर्म टास्क ऑफ विच दे आर केपेबल, कि उनको, जैसे अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो खुद खाना शुरू कर सकता है, आप फिर भी उनको नहीं खाने दो, आप खुद ही खिलाओ, नहीं मैं हमेशा खुद ही खिलाऊंगी, ठीक है, या डिमांड टू मच टू सून कि उनका कोई काम नहीं करो, उनको बोलो खुद ही सारा करो, तो जो दोनों चीजें हैं ये नेगेटिव आउटकम्स देंगी आपको। तो इसमें आपको मैल अडेप्टिव भी देखने को मिलेगा एंड मेलिग्नेंट टेंडेंसी भी देखने को मिलेगी। मैल अडेप्टिव ऑफ इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी क्या होता है, जिनका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, वो सोचते समझने के बगैर एक्ट करते हैं, एंड मेलिग्नेंट टेंडेंसी ऑफ कंपल्शन की, इनको जबरदस्ती काम करवाना पड़ेगा, वो कोई काम बाद में खुद से नहीं करेंगे। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये प्री स्कूल में आता है 4 to 6 ईयर्स, इसको प्लेस एज भी बोला जाता है एंड स्कूल गोइंग एज होती है। इसमें बच्चे को इनिशिएटिव लेना होता है विदाउट टू मच गिल्ट, ठीक है। इनिशिएटिव मीन्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड चैलेंजेस, टेकिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लर्निंग न्यू स्किल्स, फीलिंग पर्पजफुल एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा, पेरेंट्स को चाहिए कि उनको एनकरेज करें इनिशिएटिव कैसे लें। फॉर एग्जाम्पल, अपना टाइम टेबल खुद से बनाओ, ठीक है, तो उनको लगेगा कि हाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनपे आ जाएगी, उनको लगेगा कि मैं भी कोई काम कर रहा हूँ, कल का टाइम टेबल अपने बैग्स में बुक्स खुद डालो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो पॉजिटिव आउटकम आएगा, अगर नहीं किया है तो नेगेटिव आउटकम आएगा। गुड बैलेंस लीड्स टू साइको सोशल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन अगर ये नहीं हुआ तो चिल्ड्रन में आ जाती है मैल अडेप्टिव टेंडेंसी ऑफ रूथलेसनेस एंड मेलिग्नेंट टेंडेंसी ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन हो गया कि वो रुकेंगे, वो काम नहीं करेंगे, मैल अडेप्टिव रूथलेसनेस हो गया, उनमें लैक ऑफ एम्पैथी आ जाएगी लेटर स्टेज में।
ठीक है, अगर आपने हमेशा बच्चे का टाइम टेबल बैक भी खुद बनाया है तो लेटर स्टेज में वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो एम्पैथी, उसमें रूथलेसनेस आ जाएगी। अभी जिनके जिनकी शादियां हुई है एंड जिनके हस्बैंड बिल्कुल अपना ग्लास भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते हैं, उनमें लैक ऑफ एम्पैथी है कि उनकी बीवी थक गई है काम करते करते, वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि उनको उनकी मदर ने बचपन में कुछ भी नहीं करने दिया है, इसीलिए बड़े होके उनको पता ही नहीं है कि ये काम डिफिकल्ट है, एंड ये काम डिफिकल्ट इन द सेंस थकाने वाला काम है, लेकिन ये काम आप भी कर सकते हो, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप क्या करोगे, अपने बच्चों को अभी से ये चीजें सिखाओगे ताकि बड़े होके जब उनकी शादी होगी तो उनकी जो बीवियां होंगी वो आपको दुआएं देंगी कि अपने बेटे को सही से बड़ा किया है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये आता है चाइल्डहुड एज में 7 to 12 ईयर्स, इसको लेटेंसी स्टेज बोला जाता है। एंड द चाइल्ड हैज टू डेवलप अ कैपेसिटी फॉर इंडस्ट्री वाइल अवॉइडिंग एन एक्सेसिव सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री का क्या मतलब हुआ, पर्पस और मीनिंगफुल एक्टिविटी। अब बच्चा क्या कहाँ पे आ रहा है, रियल वर्ल्ड में ऐसा ऐसा स्टेप रख रहा है, अब उसको कॉम्पिटेंस का पता चल रहा है, अब उसको पता है कि मुझे कुछ करना है, कॉम्पिटिशन है, कुछ स्किल्स है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखेगा। ठीक है, एरिक्सन ने इस स्टेज को बोला था इट इज अ सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस टू लाइफ। और जो राइट बैलेंस होता है इंडस्ट्री एंड इंफीरियोरिटी का विल डेवलप इफ द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव अचीवमेंट्स एंड द चाइल्ड डेवलप्स अ वर्च्यू कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी आ जाती है बच्चे में कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर नहीं आएगी तो उसमें इंफीरियोरिटी रहेगी कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसमें कौन कौन सी टेंडेंसीज डेवलप होती है, मैल अडेप्टिव टेंडेंसी ऑफ नैरो वर्चुअसिटी या मेलिग्नेंट टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया। नैरो वर्चुअसिटी मीन्स वो कोई स्किल्स नहीं सीख सकता, ठीक है, उसके काफी कम स्किल सेट होता है। मैलिग्नेंट हो गया इनर्शिया, इनर्शिया एक फिजिक्स में हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक रेस्ट पे रहता है जब तक आप उसको मूव ना करो, दैट मीन जब तक आप उसको एक्स्ट्रा पुश ना करो तब तक वो कोई काम नहीं करेगा, कोई स्किल सीख नहीं सीखेगा लाइफ के। फिर आ गया आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये टीनेज में होता है। टीनेजर्स हम सारे स्टेज से गुजरे हैं तो वी कैन कम्प्लीटली रिलेट टू इट कि ये होता है एक रोल कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन है, हमें क्या करना है, हमारे आसपास वाले लोग क्या है, इंसान हर चीज पर डाउट करना शुरू करता है एंड देन उसके आंसर्स भी खुद से ढूंढता है। तो इस में द टास्क क्या है ड्यूरिंग अडोलसेंस इज टू अचीव ईगो आइडेंटिटी एंड अवॉइड रोल कन्फ्यूजन। जो मेन टास्क है आइडेंटिटी अपनी आपको पता हो और रोल कन्फ्यूजन ना हो। आइडेंटिटी का मतलब है हाउ द पर्सन सीज देमसेल्व्स इन रिलेशन टू द वर्ल्ड। ठीक है, कि हम इस दुनिया में कहाँ हैं, क्या है एंड हमें क्या करना है। ठीक है, वो आपका होता है एक आइडेंटिटी जो आपको पता होनी चाहिए। रोल कंफ्यूजन जो है इज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव, दैट इज द पर्सन के नॉट सी क्लियरली और आइडेंटिफाई हु दे आर, वो रोल कंफ्यूजन में उनको रहना पड़ेगा। तो इस स्टेज अगर फेल हो गया कोई बच्चा तो मैल अडेप्टिव टेंडेंसी ऑफ फनाटिसिज्म होगी एंड मेलिग्नेंट टेंडेंसी ऑफ रेपुटेशन। फनाटिसिज्म मैल अडेप्टिव टेंडेंसी किस लिए, देखो फनाटिसिज्म क्या होता है, जो टू मच ऑफ आइडेंटिफिकेशन, टू मच ऑफ आइडेंटिटी में होते हैं। हमने सुना होगा नाम रिलीजियस फनाटिक सुना है, वो कौन होते हैं, वो किसी भी रिलीजन के वो वाले लोग जिनको जो एक्सट्रीमली एसोसिएट करते हैं खुद को अपने रिलीजन से और उसके बाहर उनको कुछ नहीं दिखता, उनको जो रिलीजन के बारे में पता है उनको लगता है बस वही सही है, वही पत्थर की लकीर है और बाकी दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी कोई रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, उनको रिलीजन फेनाटिक्स बोलते हैं। क्योंकि वो अपनी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे ही लिया होता है। या मेलिग्नेंट टेंडेंसी ऑफ रेपुटेशन, कि अगर आप रोल कन्फ्यूजन में रहोगे, आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ कभी खुद को एसोसिएट नहीं करोगे तो आप चीजें रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स आएंगी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, अब देखो अगर किसी को लग रहा है कि मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ, स्पीड मेरी ज्यादा है, तो यूट्यूब पे ऑप्शन आता है स्पीड कम करने का, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। ये किन में देखने को मिलता है, यंग एडल्ट में 20 to 34 ईयर्स, या तो इंटीमेसी चाहिए होती है, अगर नहीं मिलेगी तो इंसान खुद को आइसोलेट कर देता है। ठीक है, टास्क क्या है इसका, टू अचीव सम डिग्री ऑफ इंटीमेसी एज अपोज टू रिमेनिंग इन आइसोलेशन। ठीक, अगर ये जो स्टेज है सक्सेसफुली अचीव कर ली, दैट मीन्स इंटीमेसी आइसोलेशन का एक बैलेंस इंसान ने अचीव किया तो ठीक, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगेन मैल अडेप्टिव टेंडेंसी ऑफ प्रोमिस्कुइटी, कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर पे जंप करते रहेंगे, या मेलिग्नेंट टेंडेंसी ऑफ एक्सक्लूजन, खुद को एक्सक्लूड कर देंगे, अलग ही रहेंगे, सिंगल रह जाएंगे जिंदगी भर के लिए, उनके पास कोई नहीं होगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको इंटिमेसी में एक्सट्रीम जाना है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो एक पार्टनर से, अब पार्टनर स्विच करते जा रहे हो ना, आपको आइसोलेशन में एक्सट्रीम करना है कि खुद को एक्सक्लूड ही कर लो। तो टास्क क्या है आपका, एक बैलेंस अचीव करना। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये आता है फिर 35 to 65 ईयर्स में।
द टास्क हियर इज टू कल्टिवेट बैलेंस किसके बीच में, जेनरेटिविटी और स्टेग्नेशन. जेनरेटिविटी होता है एक्सटेंशन ऑफ लव इनटू द फ्यूचर, इट इज अ कंसर्न फॉर नेक्स्ट जनरेशन एंड ऑल फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, तो जैसे अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, या फिर आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज में आ जाओगे बच्चों के बच्चे होना शुरू हो गए, फाइन. तो एक लव उन सब लोगों के लिए, ठीक, वो सारी चीजें आप दो अपने फ्यूचर जनरेशन को दो. दूसरा आता है इसको अपोजिट है स्टेग्नेशन, कि अपने बारे में सोचो उस एज में भी, सिर्फ अपनी सेल्फ इंडल्जेंस, अपने आप में इन्वॉल्व हो, सेल्फिशनेस, ग्रीड, लालच, यही चीज है, ठीक है, और कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, यंग लोगों के लिए, ठीक है. सेल्फ एब्जॉर्ब हो, अपना ही सोचते रह रहे हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वाइडर वर्ल्ड के लिए कोई कंसर्न नहीं है. तो टास्क क्या है, इन दो के बीच में बैलेंस अचीव करना, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मैल अडेप्टिव टेंडेंसी ऑफ ओवर एक्सटेंशन एंड मेलिग्नेंट टेंडेंसी ऑफ रिजेक्शन. ठीक है, अगर ज्यादा ही आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो ओवर एक्सटेंशन मीन्स बर्नआउट हो जाओगे, थक जाओगे एक टाइम पे आके, फिर रुक जाओगे, बोलोगे बस और मुझसे नहीं हो सकता, मैं इतना नहीं कर सकता, इसीलिए बैलेंस पहले से अचीव करो. मेलिग्नेंट टेंडेंसी ऑफ रिजेक्शन, कि बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाओगे तो सब कुछ ही अपने फ्यूचर जनरेशन जो है उनको रिजेक्ट करना ही शुरू कर दोगे, खुद को भी एक टाइम पे आके रिजेक्ट कर दोगे. ठीक है, फिर आगे लास्ट स्टेज, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये हो गए हमारे 65 ईयर्स के आगे. तो ईगो इंटेग्रिटी हुए जो इस टाइम पे आगे पीस में होते हैं, और वो पीस में कौन से होंगे, जिन्होंने पुराने 7 स्टेजेस में बैलेंस मेंटेन किया होगा, ठीक है. एंड डिस्पेयर वाले हो गए जो अभी भी वो गुस्से में है, वो अभी भी उस डिसगस्ट वाली फीलिंग में है कि मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि इस स्टेज में वो सेटिस्फाइड नहीं है, और उसका रीजन वो पूरी दुनिया को मानते हैं, खुद को नहीं मानते, ठीक है. तो अगर इस स्टेज में बैलेंस अचीव नहीं हुआ, टू मच ऑफ ईगो इंटेग्रिटी हो गई, ठीक है, टू मच ऑफ डिस्पेयर हो गया, तो क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट टेंडेंसी, मैल अडेप्टिव टेंडेंसी कॉल्ड प्रिजम्पशन, कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, अगर वैसा किया होता तो ये हुआ होता, अदरवाइज, या मैलिग्नेंट टेंडेंसी कॉल्ड डिसडेन, ठीक है, कि मतलब दूसरों की गलती थी, अगर उन्हें, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे इस काबिल ही नहीं थे कि मैं उनको कभी प्यार करता, तो ये सारी फीलिंग. तो अगर आप एक्सट्रीम ईगो इंटेग्रिटी में और एक्सट्रीम डिस्पेयर में नहीं जाना चाहते 65 ईयर्स के बाद, क्या करना होगा, 65 ईयर्स तक आते आते लाइफ में एक बैलेंस रखना होगा, ठीक है, ना टू मच ऑफ पॉजिटिव रहना होगा, ना टू मच ऑफ नेगेटिव. इनको आप क्विकली यहां से रिवाइज कर सकते हो इस टेबल से जो यहाँ पे दिया हुआ है. सोशलाइजेशन एंड इट्स थियोरीज, सोशलाइजेशन हमें पता है क्या होता है, इसको एनकल्चरेशन भी बोलते हैं. जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें, आई जब हम थोड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि बड़ा है बेटा, इसको सलाम करो, ठीक है, थोड़ा ऐसे बैठो, आप ये नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते, ऐसे रो मत, सड़क पे ये नहीं करते, आधे बच्चे लेट ही जाते हैं ना सड़क पे रोते रोते कि मुझे ये चाहिए, तो आप थोड़ा उनको अवेयर करते हो कि आपको लोग देख रहे हैं, सोसाइटी ऐसे बिहेव नहीं करना है. वो बेसिकली वो क्या है, वो सोशलाइजेशन है, ठीक है. तो एक टर्म दिया हुआ है उस चीज को जो डेली हम अपनी लाइफ में करते हैं, जो हमारे साथ हुआ है एंड हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, दैट इज सोशलाइजेशन, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट देख लो, प्राइमरी सोशलाइजेशन वो कहाँ से होती है, आपकी फैमिली से होती है, जिनके साथ आपका स्टार्टिंग का बॉन्ड डेवलप होता है इन्फेंसी और चाइल्डहुड में. उसके बाद फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाती है जब हम बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं, वो स्कूल आपका पेयर ग्रुप फ्रेंड्स वाला, ठीक है, स्टेट कंट्री आपको बताती है कैसे बिहेव करना है, वो भी एक टाइप ऑफ सोशलाइजेशन है. एंड आपका स्कूल इंस्टीट्यूशन, अच्छा ये हो गया, स्टेट भी हो गया, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो ये सारे सेकेंडरी वाली स्टेज में आ जाएंगे. फिर जेंडर सोशलाइजेशन, ये मैंने आपको बताया, हमने जेंडर में पढ़ा कि लड़की खेलेगी डॉल के साथ, लड़का खेलेगा कार्स के साथ, दैट इज जेंडर सोशलाइजेशन. थर्ड जेंडर भी हो गया. एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है कि आप पहले से किसी ग्रुप के जो वैल्यूज हैं वो खुद में सीखना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको उस ग्रुप का फर्दर फ्यूचर में मेंबर बनना है, ठीक है. अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो जो लोग आईएएस ऑफिसर बने हैं, आप क्या करोगे, जो तो आप क्या करोगे, वो एस्पिरेंट्स की जो वैल्यूज थी, जो उनका तौर तरीका था, वो अपने अंदर डालना शुरू करोगे, क्योंकि आपको पता है वही तरीके अपना के मुझे इस ग्रुप में मेंबरशिप मिलेगी, मैं कल को आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, ठीक है. तो दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जो आप टाइम से पहले करना शुरू कर देते हो. एंड ये किसने क्वाइन किया था, यूज किया था, इंट्रोड्यूस बाय सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मर्टन. री सोशलाइजेशन क्या होता है, कि आपने कोई वैल्यू सीखी है घर में, सीखी है, शादी होती है, ससुराल में जाके नई वैल्यू सीखोगे, दैट इज री सोशलाइजेशन. इन दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, एंटिसिपेटरी और री में, ठीक है. एंटिसिपेटरीज आप किसी ग्रुप की मेंबरशिप के लिए पहले से खुद को तैयार कर रहे हो एंड वो चीजें सीख रहे हो. री सोशलाइजेशन है जो आपको ससुराल में जाके पता चलता है कि आपने जो अभी तक सीखा है वो सही है, वो गलत है, वो गलत है. आप ससुराल में जाके नया सीखो, वो सही है, ठीक है.
तो ये सारा मैं आपको जोकिंग वे में समझाती हूँ, इसको रियलिटी नहीं समझना। कईयों की रियलिटी होगी पर सबकी नहीं होती है ऐसी, आई होप किसी की भी नहीं हो। तो होता क्या है, बेसिकली ससुराल में जाके आपको बोलते हैं ना कि मायके के तौर तरीके यहाँ पे नहीं करना, ये गलत है, ऐसे हम यहाँ ऐसे नहीं करते, वो आपकी रीसोशलाइजेशन कर रहे होते हैं। एंड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, कोई लड़की अगर है ठीक है, वो किसी से शादी करना चाहती है तो वो आउट ऑफ लव खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर रही है, नहीं मेरी मम्मी जी ऐसे करती है तो मैं भी वही करूंगी, वो खुद से ये सोच रही है बिकॉज शी इज इन लव विद दैट बॉय जिसके घर में ये हो रहा है। तो दैट वुड बी एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। लेकिन शादी हो गई है, आप नए घर चले गए हो, पुरानी वैल्यूज से अब आपको नई सीख रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि यही अब सही तरीका है, दैट वुड बी योर रीसोशलाइजेशन। ठीक है, तो इन दो टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। एडल्ट सोशलाइजेशन है, जो आप एडल्टहुड में आ गए हो और नए रोल्स आपको लाइफ में अब लेने हैं, उसमें आपको क्या क्या सीख रहे हो आप, वो हस्बैंड का रोल हो सकता है, वाइफ का रोल हो सकता है, एम्प्लॉय का रोल हो सकता है। ठीक है, एजेंट्स क्या क्या होते हैं सोशलाइजेशन के, कौन कौन आपको ये चीजें सिखाता है, फैमिली, पेयर ग्रुप, स्कूल, मास मीडिया इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप वगैरह, वो सारे इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन, लॉ, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नीड्स, नेबरहुड। ठीक है, अब देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे होते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, अगर आपने कोई चीज सीखी हुई है पहले से ही ठीक है, बाद में बड़े हो कि आपको लगता है कोई नॉर्म्स आपने सीखी अपनी सोसाइटी में, फिर आपको लगता है वो गलत है, वो आपको आपका दिमाग कह रहा है ठीक है, तो फिर आप नए नॉर्म्स जो है वो अपने अंदर डालने की कोशिश करोगे, दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नीड्स होता है, एक सोशलाइजेशन हमें अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए भी करनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल अपनी फिजिकल नीड्स फुलफिल करने के लिए अगर आप मैरिज इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो उस मैरिज में आपकी एक तरीके की सोशलाइजेशन होगी, शादी करने से पहले एंड शादी करने के बाद बहुत कुछ सीखना पड़ता है लाइफ में, तो दैट इज सोशलाइज। एंड सोशलाइजेशन भी याद रखना, ये आपके पैदा होते से स्टार्ट होती है मरने तक, जब तक इंसान मरता है तब तक वो लाइफ में सीखता रहता है। नेबरहुड, नेबरहुड से भी सोशलाइजेशन होती है, वहां से भी अपनी चीजें सीखते हो, तो दैट इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन देखते हैं। मीड की थियरी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इन्होंने दी थी हमें थियरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो इनका ये बेसिक है। अब देखो कई अगर आप देखोगे, कई अगर आपने किसी नोट से बुक से देखा होगा तो इनकी स्टेजेस में कहीं पे 5 भी लिखा है, कहीं पे 3 भी लिखा है। ठीक है, तो जनरली लेकिन इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, प्ले स्टेज में एंड गेम स्टेज में। ठीक है, प्ले में एंड गेम स्टेज में। तो मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। न्यू बॉर्न जो है उसका कोई सेल्फ नहीं होता है, फाइन। सेल्फ क्या हुआ, पहले ये इंसान है मिस्टर ए, वो मिस्टर ए पैदा हुआ है, उस टाइम पे उसका कोई सेल्फ नहीं है, दैट मींस उसने कुछ सीखा हुआ नहीं है, वो बस एक बेबी पैदा हुआ है, जो उसको सिखाएंगे वो सीखेगा। एंड आहिस्ता आहिस्ता वो क्या आ जाता है, एक प्ले स्टेज में आता है, उस प्ले स्टेज में जो बच्चा है उसमें एक लिमिटेड सेल्फ डेवलप होता है, दैट मींस थोड़ा बहुत वो इंटरेक्शन जो है वो शुरू करता है अपने पेरेंट्स के साथ। चाइल्ड लर्न फ्रॉम डिस्क्रीट अदर्स, एक होता है आपका जनरलाइज अदर, एक होता है सिग्निफिकेंट अदर। इस सिग्निफिकेंट अदर को डिस्क्रीट अदर भी कहते हैं। सिग्निफिकेंट अदर होते हैं जो आपके बिल्कुल क्लोज होते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स वगैरह। जनरलाइज्ड अदर्स होते हैं बाकी आपकी सोसाइटी। तो जो प्ले स्टेज है उसमें आपका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा किससे होगा, आपके डिस्क्रीट अदर्स से, आपके पेरेंट्स से। थोड़ा बहुत आप सीखोगे एंड लिमिटेड सेल्फ इंसान में डेवलप हो जाएगा। फिर आ जाओगे गेम स्टेज में। गेम स्टेज में बच्चा किससे, अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो बच्चा किससे सीखता है, बच्चा अपने सोसाइटी से, फ्रेंड से, पेयर ग्रुप से, वहां से सीखना शुरू हो जाता है एंड बच्चे में एक सेल्फ डेवलप होता है। अब ये जो सेल्फ है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इस बच्चे की गर्दन टेढ़ी क्यों है मुझे समझ नहीं आता, ये नितिन सर ने ड्रॉ की है, ये उनका कार्टून है बनाया हुआ। तो अब जिनको नहीं पता वो नितिन सर, नितिन सांगवान, एसेंशियल सोशियोलॉजी जिनकी बुक है। सेल्फ में 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका आई आ जाता है, एक आपका मी आ जाता है। ठीक है, आई होता है जो आप हो, रिबेलियस इंसान, ठीक है मुझे यही करना है, मेरी यही मर्जी है, बाहर में जाए दुनिया, वो आई होता है। और हर किसी के अंदर मी कंपोनेंट होता है, मी होता है वो वाला कंपोनेंट आपका जो आपको ये रियलाइज करवाता है कोई भी चीज सोसाइटी के हिसाब से सही है कि नहीं, कि लोग क्या बोलेंगे, मुझे ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं आई के भी कुछ ये होते हैं एलिमेंट्स एंड मी के भी एलिमेंट्स होते हैं। तो ये थियरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ जो है आपकी थियरी ऑफ सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, और किसने दी थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। फिर आगे सी एच कूले, चार्ल्स हॉटन कूले, इन्होंने दी थी लुकिंग ग्लास सेल्फ की थियोरी, या उसको रिफ्लेक्टेड सेल्फ भी बोला जाता है। लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या हुआ बेसिकली, कि जो आप
जो आपको पता है कि दूसरे आपके बारे में सोचते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता वही बन जाते हो। अगर आप किसी को बार बार ये बोलो ना कि वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है, वो खुद को इंटेलिजेंट समझेगा एंड वो आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंट बन भी जाएगा, अगर वो इंटेलिजेंट ना भी हो। एंड अगर आप किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को बार बार ये बोलो कि वो डम्ब है, वो डम्ब है, उस वो अपनी ओपिनियन, वो जो अपने बारे में सोचता है, वो आपकी ओपिनियन को लेके अपने बारे में सोचना शुरू करेगा। ऑल्दो कि उसको पता होगा वो इंटेलिजेंट है, लेकिन सारे बोलेंगे वो डम्ब है, वो डम्ब है, और उन ओपिनियन से क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली डम्ब बिहेव करेगा एंड डम्ब बन जाएगा। इसीलिए आप दूसरों को क्या बोलते हो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ है, मिरर में आप जो खुद को देख रहे हो, और वो मिरर क्या है, सोसाइटी, आप आहिस्ता आहिस्ता वही बन जाते हो। फ्रूड एंड इस साइको एनालिटिक थ्योरी, ये हमने कर लिया। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेना, उनने एक्सप्लेन किया है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को थ्रू थ्री डिस्टिंग्विशेबल पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी होता है आपका जो काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, जो इंपल्सिव कैरेक्टर होता है कि मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। जैसे अगर बच्चे को चिप्स चाहिए, छोटे बच्चे में आईडी होता है कि मुझे अभी चिप्स चाहिए, मुझे अभी चिप्स चाहिए। फिर आहिस्ता एक बार स्टेज आती है, इंसान में ईगो डेवलप होता है, दैट मीन्स उसको पता होता है कौन सी चीज लॉजिकली सही है या नहीं है। तो वो लॉजिक प्रिंसिपल आ जाता है कि क्या मुझे अभी आइसक्रीम मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, वो चीजें सोचना शुरू करेगा। फिर आ जाता है सुपर ईगो, इसमें मॉरल चीज सामने आ जाती है, क्या मेरे लिए आइसक्रीम खाना सही है, क्या मॉरली करेक्ट है ये चीज करना कि नहीं। तो वो मॉरल जिसमें आ जाता है वो सुपर ईगो होता है। ठीक है, तो एक पर्सनैलिटी के तीन पार्ट्स होते हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। एंड ये हमें किसने दिया था, अगेन सिगमंड फ्रूड ने। फिर जीन पियाजे की थियोरी देख लो सोशलाइजेशन की, इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी हमें, 4 स्टेजेस दी थी। पहली है बर्थ टू टू, दैट इज योर सेंसरी मोटर स्टेज। ये जब स्टेज स्टार्ट होती है, दैट मीन्स बर्थ से स्टार्ट होती है, 0 ईयर्स के जब होते हो, तब इंसान, तब जो बच्चा होता है ना, वो इमेज परमानेंटली होल्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका जो प्राइमरी केयर गिवर है, उसकी मदर है, बच्चे की सामने होगी तो वो खुश होगा। इस स्टेज में उसको ये जो है रियलाइजेशन नहीं होती, अगर मम्मा सामने नहीं है तो हो सकता है वो वॉशरूम गई हो सकता है वो कहीं कोई काम कर रही हो, सामने नहीं है इमेज, इसका मतलब है मम्मा है ही नहीं, तो वो बच्चा बहुत रोता है। टुवर्ड्स द लेटर एंड ऑफ दिस स्टेज, जब वो 2 ईयर्स तक का होने लगता है, वो इमेज को परमानेंटली होल्ड करने की ताकत रखता है। ठीक है, तो दिस इज योर सेंसरी मोटर स्टेज। फिर आ गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा सिंबल्स और मीनिंग्स जो है उनके बीच में डिफरेंस बोलना स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज के बिगिनिंग में क्या होता है, अगर जैसे अगर 2 ईयर्स का है, ठीक है, बच्चे ने क्या किया, उन्हें उसने कार्ड्स का एक कुछ भी या कोई सैंड कासल बनाया हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है ना, वो रेत का घर बनाया है, तो अगर वो रेत का घर कोई मिटा देगा तो बच्चा रोना शुरू हो जाएगा, कि वो ऐसे बिहेव करेगा कि एक्चुअल घर को कोई प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो सिंबल्स और मीनिंग्स के बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। फिर टुवर्ड 7 जब वो पहुंच जाएगा तो उसको समझ में आएगा ये रेत का घर है, मेरा असली मकान नहीं है, तो वो अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये वो स्टेज है जब बच्चा थोड़े बहुत जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू हो जाता है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, उसको पता होगा 3 + 2 जो है वो 5 है, और 4 + 1 वो भी 5 है, वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो परेशान नहीं होगा, 3 + 2 5 है तो 4 + 1 कैसे 5 हो सकता है, वो ये वाली स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशंस। फॉर्मल ऑपरेशंस हुए जब वो लीगली अब सारे काम, सारे मॉरल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा, लॉजिकल, रैशनल, मैथमेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट सॉल्विंग जो है वो सारी इस स्टेज में आ जाएगी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा बताया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। लास्ट में चलते हैं कोलबर्ग्स थ्योरी, तो कोलबर्ग्स ने हमें दी थी 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट है इनकी थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, पहली जो 2 स्टेजेस है, फर्स्ट 2 स्टेजेस अप्लाई टू चिल्ड्रन हु हैवन्ट फॉर्म्ड अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इस पहली 2 स्टेजेस में लाइफ की राइट एंड रॉन्ग का सेंस नहीं होता है। अब पहली स्टेज वो है जिसमें आप कोई भी काम करते हो ध्यान में रख के पनिशमेंट अवॉइड करनी है। सेकेंड स्टेज वो वाली स्टेज होती है जिसमें आप कोई भी काम करते हो रिवॉर्ड रिसीव करने के लिए, कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी, वो दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज है मुझे ये काम नहीं करना है क्योंकि मम्मा डांटेंगी। ठीक है, यू की पहली 2। इन स्टेज 3 पीपल बिकम हाईली अवेयर ऑफ ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड एक्ट इन अ वे दे विल गेन अप्रूवल। ठीक है, तो 3rd स्टेज में आप काम क्यों करते हो, क्योंकि आपको वाहवाही चाहिए, आपको लोगों का अप्रूवल चाहिए कि हाँ मैंने सही काम किया, वो 3rd स्टेज है। ऑल्दो इस स्टेज में मॉरली क्या राइट एंड रॉन्ग है उसका आपको आइडिया अभी नहीं होगा, मतलब वेग आइडिया होगा, पूरा आपको नहीं पता राइट एंड रॉन्ग क्या है।
फिर स्टेज फोर हो गया, पीपल बिकम अवेयर ऑफ द लार्जर कम्युनिटी एंड ऑफ द सोशल रूल. मॉरल कॉन्शियसनेस इज द हॉलमार्क ऑफ दिस स्टेज. अ पर्सन हु इज गिवन टू मच चेंज बाय कैशियर रिटर्न्स इट बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू. तो फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, मॉरल कॉन्शियसनेस जाग गई. अब पता है कि ये काम सही है, ये काम गलत है. थर्ड स्टेज में क्या हुआ, दूसरों के अप्रूवल के लिए आप काम कर रहे हो. वेग आइडिया राइट एंड रॉन्ग का हो गया है, लेकिन आपको एक्चुअली नहीं पता है, मतलब पूरे आप मॉरल कॉन्शियस अभी इंसान नहीं बने हो. फिर लास्ट की दो स्टेजेस, दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप मॉरल प्रैक्टिसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द कन्वेंशनल वैल्यूज. ठीक है, तो स्टेज फाइव में क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कन्वेंशनल वैल्यूज मॉरल प्रैक्टिसेस डेवलप हो जाएंगे. जैसे कन्वेंशनल वैल्यूज क्या, लाइंग इज बैड, ये कन्वेंशनल वैल्यू जो हर कोई फॉलो करता है. लेकिन फिफ्थ स्टेज के आते आते आपको ये पता चलेगा कि अगर झूठ बोला जाता है इस वजह से कि किसी की जिंदगी बच सके, तो वो झूठ झूठ नहीं होता है. तो जो कन्वेंशनल माना जाता है वैल्यू, तो किसी एक सिचुएशन में आके आप उसको चेंज कर सकते हो. तो वो स्टेज कब डेवलप होती है, फिफ्थ स्टेज में जब आप आ जाते हो. ठीक है, फिर सिक्स स्टेज हो गई, जब आपके अपने एथिक्स प्रिंसिपल्स डेवलप हो जाते हैं जो यूनिवर्सल एंड कंसिस्टेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, ठीक है, इन्होंने एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल डेवलप किया अहिंसा का, नॉन वायलेंस, और वो इसमें कंसिस्टेंट रहे. ठीक है, चाहे ब्रिटिशर्स ने कितना भी इन पे जुल्म किया हो, बाकी फ्रीडम फाइटर्स पे जुल्म किया हो, इन्होंने बोला स्टार्टिंग से ही नॉन वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है. तो स्टार्टिंग से ही ये इस बात पे डटे रहे, कंसिस्टेंट रहे. इतना ही अपने नॉन वायलेंट इस वाले पे डटे रहे कि मुझे नॉन वायलेंट ही रहना है अपने इस प्रिंसिपल पे, कि इन्होंने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह उसकी फांसी को भी अप्रूव किया था ना, जो गांधी यूरिन पैक्ट हुआ था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है. ठीक है, क्योंकि इनकी जो ये प्रिंसिपल था इनका, ये एक यूनिवर्सल एंड कंसिस्टेंट था, जो हर सिचुएशन में अप्लाई इन्होंने किया था एंड उसके साथ ही कंसिस्टेंट रहे थे. तो वो एबिलिटी का बात ही जब इंसान अपने सिक्स स्टेज में आता है. ठीक है, फिफ्थ स्टेज में इसको पता चलता है कि जो कन्वेंशनल चीजें हैं हम कभी कभी उनको चेंज भी कर सकते हैं फॉर द लार्जर गुड. लाइंग ऑल्दो इज बैड, लेकिन अगर झूठ से किसी की जिंदगी बच रही हो तो हम झूठ बोल सकते हैं. तो ये था आपका कोलबर्ग. अब लास्ट की तरफ चलते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ. देखो, अगर एंग्जाइटी एक नॉर्मल टाइप की, से एंक्शियसनेस नर्वसनेस वो हर किसी को होती है. एग्जाम से पहले हमें एंग्जाइटी होती है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है. अभी जैसे आपका एग्जाम है तो काफी एंक्शियस आप होते हो गए, खासकर जब आप ये सारा सोचने बैठ जाओ कितना सिलेबस कंप्लीट है, किसका कितना हुआ, मेरा कितना नहीं हुआ. तो इतनी फॉर्म ऑफ थोड़ा बहुत नर्वसनेस एंग्जाइटी वो नॉर्मल है. लेकिन जब एक एबनॉर्मल फॉर्म में शुरू होना आपके सामने शुरू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको पसीने आना शुरू हो जाए, चक्कर आ जाए, ठीक है, फेंट ही हो जाए इंसान, तो तब इसको क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर इसको तब बोलेंगे. अदरवाइज ये छोटा बहुत, थोड़ा बहुत जो नर्वसनेस एंक्शियस हम होते हैं, ये फीलिंग्स नॉर्मल होती है. ठीक है, लैटिन वर्ड इसे निकला है एंगियर से, विच मीन्स टू चोक और टू स्ट्रैंगल. ठीक है, एंग्जाइटी जो है रिस्पॉन्स इज ऑफन नॉट ट्रिगर्ड बाय रियल थ्रेट. अभी एग्जाम ही है ना कोई, ठीक है, आपका अगर किसी को एक्चुअल में एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाए किसी एग्जाम की वजह से, तो एग्जाम कोई रियल थ्रेट थोड़ी है, बस एक एग्जाम है आपको क्वालिफाई करना है, फाइन. तो दैट मीन्स आपको एक्चुअली नहीं पता होता कि मुझे इस चीज का खतरा है, बस एंग्जाइटी हो रही होती है. इंसान को जनरली काफी चीजें दिमाग में चल रही होती है एंड एक डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं. ये यूजुअली क्यों होता है, जब लोगों को लैक ऑफ कंट्रोल लगता है और सेंस ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ओवर द इवेंट्स इन देयर लाइफ्स, कि अगर कुछ ऐसा हो जाए मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा. ठीक है, वो लैक ऑफ कंट्रोल वाली जो फीलिंग होती है ना, उससे एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है. ये पीपल हु फील एंग्शियस आर नॉट अवेयर ऑफ द रीजंस ऑफ द फियर. तो इसमें हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेनली कॉजेस और क्या ट्रीटमेंट है. ठीक है, द इंडिविजुअल शोज सिम्टम्स कौन से, रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, फेंटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्रिमर्स. तो ये सारे क्या है, इसके सिम्टम्स हैं. कॉजेज यहाँ से देख लेना, नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ये छोड़ दो आप. अभी कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ही देखो सिर्फ. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, अच्छा ये कैटेगरीज देख लो. अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मैनुअल ऑफ फॉर मेंटल हेल्थ क्लिनिशियंस एंड डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसको हम DSM बोलते हैं, DSM-4 है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में अभी रिलीज हुआ है DSM-5 एडिशन. तो फिफ्थ एडिशन DSM का आ गया है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, जैसे दो डिसऑर्डर्स आपका OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये दोनों जो है इनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो है उससे निकाला गया है. एंड
इंटरेस्टिंगली दोनों आपके सिलेबस में हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि कौन से दो चीजों को निकाला गया है, ओसीडी को निकाला है एंड पीटीएसडी को निकाला है, ठीक है। एंड DSM-5 में क्या है, 11 एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं। अगर आपको थोड़ा डिटेल में देखना है तो एमसीक्यू वीडियो तो आप मेरा देखोगे ही, क्योंकि बाकी ने तो देखा ही होगा जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अभी अगर आप पहली बार ये वीडियोस देख रहे हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियोस, तो आपको एमसीक्यूज भी जरूरी साथ में करने हैं। तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू वीडियो पे जाओ, यूनिट 2 के उसमें 180 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 180, वहां पे मैंने DSM-5 को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब गैट देख लो, अब देखते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन सा एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कंसिस्टेंट ऑफ मोर प्रोलॉन्ग्ड वेग अनएक्सप्लेन बट इंटेंस फेयर दैट डू नॉट सीम टू बी अटैच टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जनरल सी एंग्जाइटी हो रही होती है इंसान में, ठीक है, दैट इज अ जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसको गैट बोलते हैं। देर आर 6 स्पेसिफिक सिम्टम्स अमंग विच एटलीस्ट 3 मस्ट बी प्रेजेंट टू बी डायग्नोज डायग्नोज एज गैट, ठीक है। तो जो 6 स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के, उनमें से 3 जो है वो एटलीस्ट उस इंसान में होनी चाहिए जिसको आप इससे डायग्नोज करो कि उसको जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। तो वो 6 कौन से हैं, रेस्टलेसनेस, बीइंग इजीली फटीग, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, इरिटेबिलिटी, मसल टेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस। तो इन 6 में से अगर 3 किसी में हो तो आप उसको गैट बोल सकते हो। आई थिंक ये 3 हम सब में ही मिलेंगे इसमें से, तो जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर सबको ही है। इसको हम फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी भी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। अब ये भी इंपॉर्टेंट है गैट के, एक तो जो रीजंस हैं वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है इस एंग्जाइटी की तो उस इंसान को भी हो सकती है। ब्रेन अब क्या रिलेटेड है इसके, तो हमारे अंदर कुछ न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते हैं, मैसेंजर्स जो सिग्नल वगैरह पास करते हैं, उसको हम बोलते हैं गाबा। द न्यूरो ट्रांसमिटर कॉल्ड गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन गैट, ठीक है। डेफिशिएंसी अगर किसी को गाबा में होगी, गाबा सही से काम नहीं कर रहा होगा, तो जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकती है। दूसरी कौन सी चीज रिलेटेड है इससे, कॉर्टिकोफ्रीन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज योर कॉर्टिसोल। अगर कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस होता है जब हमारी बॉडी में, स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, उससे भी गैड हो सकता है। एंड दूसरे कौन से हॉर्मोन है, सिरोटोनिन एंड नोरपिनफ्राइन, ठीक है। ये सारे किससे रिलेटेड है, गाबा, कॉर्टिसोल, सिरोटोनिन एंड नोरपिनफ्राइन, ये आपके रिलेटेड है गैड से, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम बेसिक बेसिक में देख रही हूँ कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा एग्जाम में आने वाली। अब कौन से ड्रग्स यूज होते हैं इसकी ट्रीटमेंट में, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी वाले एंड ब्यूस्पिरोन, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। फिर आगे आपका ओसीडी, जिसको अभी रिमूव किया गया है अकॉर्डिंग टू DSM-5 एंग्जाइटी डिसऑर्डर से, ठीक है। तो ओसीडी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, अगर कोई इंसान बार बार हाथ धो रहा है तो उसको लगेगा उसका हाथ गंदा ही है, वो बार बार धोते जाएगा धोते जाएगा, तो पहले ऑब्सेशन हो जाएगा उसको क्लीनलीनेस से कि मैं क्लीन नहीं हूं, फिर वो खुद को कंपेल करेगा बार बार उठ के हाथ धोने के लिए, तो ये एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, कॉजेस देख लो इसके, जेनेटिक भी हो सकता है, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है इस चीज की तो आगे जाके उनको उनमें भी डेवलप हो सकता है। ब्रेन एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज, जैसे सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन पर्टिकुलरली कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड द सिंगुलेटेड कॉर्टेक्स हैव बीन फाउंड टू शो एक्सेसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन ओसीडी पेशेंट्स, ठीक है। तो जिनमें ओसीडी देखा गया है उनमें जो ये वाले पार्ट्स हैं ब्रेन के, इनमें एक्सेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, दैट मीन्स एक्सेसिवली काम कर रहे होते हैं ना, इनमें कुछ ज्यादा वो उथल पुथल मच रही होती है इन हिस्सों में। ये मोस्टली आपके डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होते हैं ये वाले पार्ट्स ब्रेन के, ठीक है। एंड डिजीजेज लाइक एनसेफेलाइटिस एंड ब्रेन ट्यूमर्स जो है, दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड टू यूटिलिस्टिक बिहेवियर दस इम्प्लीकेटिंग सर्टन पार्ट ऑफ द ब्रेन एबनॉर्मलिटी फॉर ओसीडी। तो जिनमें ये एनसेफेलाइटिस होता है, ये एक काइंड ऑफ डिजीज है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन इसमें होती है एंड ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है, उन पेशेंट्स में भी ओसीडी वाली चीजें देखी जाती हैं। सम एविडेंस दैट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर कॉल्ड सेरोटोनिन एंड एनहांस सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेटेड ब्रेन स्ट्रक्चर टू सेरोटोनिन आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ओसीडी। तो सेरोटोनिन में जिसमें कुछ फर्क आ जाता है इस न्यूरो ट्रांसमीटर में, तो उनमें भी ओसीडी पाया जाता है। ट्रीटमेंट में देख लो, इसमें बिहेवियर थेरेपी भी यूज होती है एंड मेडिकेशन भी, लेकिन बिहेवियरल थेरेपी ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो इंपॉर्टेंट बिहेवियर थेरेपी है एक्सपोजर एंड प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है, इसको ENDRP भी बोला जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है ENDRP किसके लिए ट्रीटमेंट है, तो वो ओसीडी की ट्रीटमेंट है। तो होता क्या है, पहले आप एक्सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आया है,
आप क्या करो, उनको बोलो कोई पेपर वेट को हाथ लगा, या वहां पे कोई पेन पड़ा है, कोई डस्ट पार्टिकल है उस पर हाथ लगाए, तो एक्सपोज कर दिया उनको अपने ऑब्सेशन के साथ। बाद में उनको अंदर से वो आवाज आएगी बार बार, वो कंपेल करेंगे खुद को उठ के हाथ धोने के लिए। दैट वुड बी द रेस्पॉन्स टू द ऑब्सेशन। फिर रेस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है कि ऑल्दो उनका हाथ अपने गंदा कर लिया है, लेकिन अब उनको हाथ को धोने नहीं देना है काफी टाइम तक। तो स्लोली स्लोली ऐसे ही सेशन से इसको ट्रीट किया जा सकता है। एंड मेडिकेशन कौन सी यूज होती है? क्लोमिप्रमीन एंड फ्लोक्सिटीन। फिर PTSD आ गया, इसको भी रिमूव कर दिया गया है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये किस चीज की वजह से हो जाता है? आफ्टरमाथ ऑफ ए सीवियर ट्रॉमा इन्वॉल्विंग वायलेंस एंड डिमोलिशन। ठीक है, जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया तो सारा जो था डिसमेंटल हो गया, सारे स्ट्रक्चर्स गिर गए। एंड किसी ने लाइव विटनेस किया हो, या कहीं पे आग लग गई हो, किसी वॉर जोन एरिया में फंस गया हो, एंड ये सारे इवेंट्स जो है किसी ने खुद से विटनेस किए हो, तो वो PTSD उनको उसके बाद हो सकता है। जो PTSD है, विक्टिम के नॉट गेट रिड ऑफ द मेमोरी ऑफ द ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। एक्चुअली उनका जो ब्रेन होता है ना, उस जगह पे स्टक हो जाता है। जैसे किसी ने अगर टेररिस्ट अटैक खुद से देखा हो, तो वो जिंदगी भर क्या होगा, जब तक PTSD रहेगा तो उसको वैसी आवाजों से डर लगेगा, उसको लगेगा कि अटैक हो रहा है कहीं पे, गोलियां चल रही है। ठीक है, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है वो उस पार्ट में स्टक हो जाता है। PTSD जो विक्टिम हैज एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव अराउजल। वो कौन से सिम्टम्स होते हैं? डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग स्लीप, इरिटेबिलिटी, आउटबर्स ऑफ एंगर, प्रॉब्लम इन कॉन्सेंट्रेशन एंड एग्जेजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स। कि हल्की सी आवाज सुन के भी वो क्या करेंगे, चीखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो सिम्टम होता है PTSD का। तो इनमें से एटलीस्ट दो जो है वो PTSD के पेशेंट्स में देखी जाती है। एंड ये जो सिम्टम्स हैं, टू बी डायग्नोज टू बी सफरिंग फ्रॉम PTSD, वन मस्ट हैव दीज सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। 1 मंथ तक रेगुलरली कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे तो PTSD हो सकता है। ऐसा नहीं एक ही बार हो गया तो मुझे PTSD है। ठीक है, एटलीस्ट 1 मंथ तक ये चीजें रेगुलरली होनी चाहिए। फिर कॉजेस क्या है इसके? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अगेन जेनेटिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वल्नरेबल पर्सनैलिटी एंड लाइफ इवेंट्स। की वल्नरेबल पर्सनैलिटी है, थोड़ी वीक पर्सनैलिटी जो जल्दी डर जाती है चीजों से, या लाइफ इवेंट ऐसा कोई देखा हुआ है। कुछ अप्रोचेस हैं जिन्होंने PTSD के बारे में कुछ बोला हुआ है, वो हम देखते हैं। साइको एनालिटिकल अप्रोच, लर्निंग थियरी अप्रोच एंड कग्नेटिव अप्रोच और एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। ठीक है, साइको एनालिटिक अप्रोच, तो बेसिकली जो साइको एनालिटिक एंड लर्निंग थियरी है थोड़े बहुत सिमिलर है। साइको एनालिटिक अप्रोच क्या होता है कि अगर बचपन में किसी ने कोई एक पीनट बटर खा ली, ठीक है, उसको लगा और एलर्जी थी उसको पीनट बटर से, तो ऑलमोस्ट वो नियर डेथ एक्सपीरियंस उसका रहा, तो जिंदगी भर वो पीनट बटर नहीं खाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है बस ये बताने के लिए कि इन्फेंटाइल सेल्फ में अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो पूरी जिंदगी वो चीजें जो है उसके साथ रिपीट होती रहेंगी वो इवेंट। लर्निंग थियरी अप्रोच, अगर किसी ने ट्रेन का एक्सीडेंट देखा हुआ है तो जिंदगी भर वो ट्रेन बोर्ड करने से डरेगा। कग्निटिव अप्रोच क्या कहता है? वो कहता है जो PTSD के पेशेंट्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू सोल्यूशन। एंड एग्जिस्टेंशियल अप्रोच क्या कहता है कि इनको लगता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये अपने स्ट्रेस को रेगुलेट नहीं कर पाते, स्ट्रेस को रेगुलेट नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे आग लग गई, किसी माँ के गोदी में कोई बच्चा है, वो बच्चे को बिल्डिंग से बाहर फेंकेंगे उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो जब भी वो आग देखेगी वो रिकॉल करेंगे एक तो वो एक्सपीरियंस सारा, एंड सेकेंडली उनको लाइफ मीनिंगलेस इसलिए लगेगी क्योंकि उनको लगेगा कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, वो लाइफ में क्या काम कर सकेगी। तो इसको एग्जिस्टेंशियल अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जिस्टेंशियल अप्रोच टू एक्सप्लेन PTSD। लाइफ मीनिंगलेस लगती है, स्ट्रेस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर यहाँ पे अब आ गया था तो मैंने आपको बताया। ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट में ये आप याद रख लो, EDMR, EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ये पहली बार यूज किया गया था डिजास्टर विक्टिम्स में, एंड किसने यूज किया था? बाय फ्रेंकाइन शपीरो इन 1897। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब मैंने आपको बोला इसमें क्या होता है, ब्रेन जो होता है मेमोरीज वो स्टक होती हैं, किसी ने कोई इवेंट अगर विटनेस किया हुआ है, कहीं पे आग लगी थी तो दिमाग जो वहां पे स्टक होगा। तो आप क्या करोगे, जो भी थेरेपिस्ट होगा पेशेंट को बोलेगा रिकॉल करो वो सारी चीजें, एंड वो अपने आई जो ये थेरेपिस्ट है वो अपनी आईज मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एंड पेशेंट को बोलेंगे मेरी तरफ देखते जाओ देखते जाओ, या हैंड्स को टैप करेंगे या उनके शोल्डर्स को टैप करेंगे। इससे क्या हो रहा है, वो बायोलेटरल स्टिमुलेशन कर रहे हैं। एक तो वो विक्टिम जो है वो रिकॉल कर रहे हैं अपने इवेंट, ठीक है, उनका ब्रेन जो है फ्रीज हो गया है, तो वो बायोलेटरल स्टिमुलेशन से ब्रेन को अनफ्रीज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तो वो बोल रहे हैं वो बातें, एंड जिन बातों में वो फंसे हुए हैं
थेरेपिस्ट का काम होगा उन फंसे हुए इंसान को वहां से निकालना। कैसे निकालेंगे? उनको बोलेंगे मेरी आंखों की तरफ देखो, मूवमेंट की तरफ देखो, दैट मीन्स माइंड को डिविएट करने की कोशिश करेंगे दूसरी चीजों की तरफ। तो उससे क्या हो जाता है, ब्रेन की जो इन्फॉर्मेशन है वो अनफ्रीज हो जाती है। तो ये एक तरीका है ये जो लोग हैं इनको ट्रीट करने का, ठीक है। EMDR इसके साथ रिलेटेड है। एंड जो हमने वो पढ़ा था रेस्पॉन्स प्रिवेंशन वाला, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, वो OCD से रिलेटेड है। फोबिया ग्रीक वर्ड फोबोस से निकला है। इसका सिंपली मीनिंग होता है डर होना किसी ऑब्जेक्ट का, फोबिक सिचुएशंस का या इंडिविजुअल्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोबियाज में आपको क्या करना है, ये सारे जो नाम है ये देखने हैं, ये याद करने हैं, ठीक है। किस फोबिया को, किस चीज के डर को कौन सा फोबिया बोला जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट एगोरोफोबिया देख लो, क्योंकि एगोरोफोबिया जो है वो एक मेंटल, वो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है अकॉर्डिंग टू DSM-5 एडिशन, ठीक है। तो एगोरोफोबिया क्या होता है, इसमें फेयर होता है बेसिकली ओपन स्पेसेस का भी हो सकता है, क्राउड प्लेसेस का भी हो सकता है, जो एनक्लोज्ड स्पेस होती है उसका डर भी हो सकता है, या फेयर ऑफ लीविंग होम अलोन। तो इन सारी सिचुएशंस का जो डर होता है उसको अगोरोफोबिया बोलते हैं। फिर सिम्टम्स ऑफ फोबिया, फेयर, पैनिक, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव थिंकिंग, ठीक है। अवॉइडेंस बिकम्स प्रोमिनेंट एंड अफेक्ट करती है नॉर्मल लाइफ सिचुएशन फॉर फेयर, फ्लीइंग फ्रॉम द सिचुएशन, परसिस्टेंट वरी, शेकिंग एंड पैल्पिटेशन, ये सारी इस चीज में देखी जा सकती है। तो फोबियाज हैव बीन सीन मोर प्रिविलेंट देन, जो गैड है उससे ज्यादा प्रिविलेंट कौन सी है, फोबियाज। एंड इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि किसी इंसान में कोई फोबिया डेवलप होता है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। फिर पैनिक डिसऑर्डर होता है, इट मे कम अबाउट विद नो वार्निंग साइंस, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि पहले से ऐसा ऐसा कुछ हो रहा हो तो फिर ये हो जाए, आपको पैनिक सिचुएशन आ जाए। तो इसमें क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है, अचानक से आपकी जो जो इंसान इसमें इन्वॉल्व होगा, आपकी नहीं, सडन ऑनसेट होगा, अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगी, डिजीनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, अचानक से ये सारे सिम्टम्स जो है वो विक्टिम फील करने लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैनिक अटैक आ जाता है, इसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो सिम्टम्स है ये सारे, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर है ऑल्सो इफेक्ट्स वुमेन मोर देन मेन एंड यंगर एज ग्रुप्स मोर देन एल्डरली। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। तो औरतों में, लड़कियों में ज्यादा होता है पैनिक, क्योंकि शायद हम ज्यादा सोचते हैं इस वजह से पैनिक ज्यादा हम करते हैं। तो ये कंप्लीट होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सेकेंड यूनिट के। इसके बाद थर्ड यूनिट में कंटिन्यू करूंगी। और भी कुछ है मेरे दिमाग में था कि मैं इम्पॉर्टेंट एक्ट वगैरह, इम्पॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडिसीज जो है उसका एक वीडियो बनाऊं, ताकि सारी चीजें एक जगह पे होंगी, लेकिन वो मैं तब बनाऊंगी जब मेरे सब्सक्राइबर्स 10,000 हो जाएंगे इन 2-3 दिनों में, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो वीडियोज देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं आपको चार्ज नहीं करती, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट बनाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोज मिल रहे हैं, पर आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, तो मैं जब हो जाएंगे उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन आपको ये एक्ट और ये इंडिसीज वगैरह एक सारा एक शॉर्ट वीडियो एक ही जगह पे असेंबल करके दे दूंगी, ठीक है। तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।